हाई एवरी वन वेलकम बैक टू आर यूट्यूबी बैंड सो टूडे दिस इज पार्ट फिफ्थ ऑफ अवर मैराथन सेशन सीरीज आई होप फर्स्ट फोर पार्ट्स आपने देखे होंगे जो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में भी प्रोवाइडेड है अगर आप में से किसी ने नहीं देखे हैं या फिर कोई चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है देन आप प्ले में जाके देख सकते हैं तो आज का सेशन रहेगा हमारा ऑन द टॉपिक बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एंड इन दिस सेशन आई विल ट्राई कि आपको जो डाउट्स रहे भी के हो वो भी क्लियर हो जाए तो आपको भी सब कुछ ध्यान से सुनना है और इसको ऐसे समझना जैसे आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को दोबारा ओके okay? तो ये भी बता दूँ आपको कि ये जो येलो हाईलाइटेड है ये सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं इन फर्स्ट फोर सेशंस तभी रिकमेंड कर रही हूँ कि आप प्ले में जाके उसको देख लीजिए क्योंकि मैक्सिमम टॉपिक्स हमने कवर कर लिए बाकी रिमेनिंग भी I will try कि जल्दी से जल्दी खत्म हो आज करेंगे हम बैंक स्टेटमेंट और बता दू इसका जो डिटेल्ड है, है लेक्चर है तो वो भी देख सकते हैं है, तो प्ले लिस्ट में ऑलरेडी प्ले लिस्ट अलग से प्रोवाइडेड है एमसीक्यूज ऑन अकाउंट तब वहाँ पे देख ले उसको ऑल राइट right? और ये भी बता दू वी हैव टू टेलीग्राम ग्रुप्स एक है स्टडी बैंड के नाम से जिसका लोगों कुछ इस तरह से है जब आप सर्च करेंगे एंड अनदर वन इज स्टडी बैंड डिस्कशन ग्रुप के नाम से ओके okay, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो लिंक्स भी ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं ये जो स्टडी बैन वाला ग्रुप है इसमें आपको पी मिल जाएंगी और जो भी लेटेस्ट वीडियोस आती रहेंगी हमारे चैनल पे उनके लिंक्स मिल जाएंगे और ये जो है स्टडी बैंड डिस्कशन ग्रुप इट इज़ ओपन फॉर ऑल आप चाहें तो यहाँ पे अपने डाउट्स एंड क्वेरीज डिस्कस कर सकते हैं क्लियर है चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमने समझा था मीनिंग ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था अब हमें इतना तो पता है ना कि कैश बुक बनाते हैं जब हम तो उसमें पॉसिबल थ्री कॉलम्स हो सकते हैं इट कैन बी इधर कैश कॉलम बैंक कॉलम एंड डिस्काउंट कॉलम तो यहाँ पे अब क्योंकि बात हो रही है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की बैंक की बात है तो हमारे लिए यहाँ पे कौन सा कॉलम रेलिवेंट है दैट इज बैंक कॉलम ठीक है पहली बात और इसको हमने कंपेयर किससे करना होता है जो एक्चुअल में बैंक में हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं वो एक्चुअल वाली जो एंट्रीज होंगी बैंक में हुई हुई वो कहाँ पे हुई होंगी इन दी पासबुक या हम बोल सकते हैं बैंक स्टेटमेंट दोनों में सेम ही रिकॉर्ड्स होते हैं बट पासबुक क्या है इट इज़ अ काइंड ऑफ मतलब डायरी के फॉर्म में होता है ये पेजेस होते हैं ऐसे शीट्स ही होती हैं सो so, दोनों ही सेम है चाहे क्वेश्चन में आपको बैंक स्टेटमेंट लिखा हो या पासबुक लिखा हो तो आपको पता होना चाहिए कि अगर बैंक स्टेटमेंट भी लिखा है तो वो क्या बता रहा है बैलेंस एज पर पास बुक यहाँ तक क्लियर है ओके चलिए फिर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हम बनाते क्यों हैं मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कई बार क्या होगा कुछ ऐसी एंट्रीज होंगी जो हमने बिजनेस जो होगा उन्होंने अपनी कैश बुक में नहीं करी होंगी कुछ स्किप हो गई होंगी कुछ हो सकता है एंट्रीज तो रिकॉर्ड कर दी हो बट अमाउंट गलत कर दिया हो कुछ एंट्रीज ऐसी होंगी जो डेबिट साइड पर करनी थी बट हमने क्रेडिट कर दी तो कई सारे चांसेस हो सकते हैं कई बार हमारी कैश बुक और पासबुक डिफर कर जाती है कई बार क्या होगा पासबुक में वो एंट्रीज हो चुकी होंगी कैश बुक में नहीं हुई होंगी तो देर में भी वेरियस

रीजंस ठीक है तो इन दी एंड हमें क्या बनानी है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी तो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट में हमें क्या बताना है बैंक का भी बताना है कि कितना बैलेंस है राइट तो वो साइड पर हमने बताना है कि कितना हमारा बैंक का बैलेंस है अगर वो मैच ही नहीं कर रहा होगा एक्चुअल में जो हमारा बैंक में है सही में तो वो गलत हो जाएगा सो इन ऑर्डर टू रिकन्साइल दैट कि प्रॉपर बैलेंस आए हमारा हम क्या बनाते हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट सो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है क्या इट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ प्रिपेयर टू रिकनसाइल द डिफ्रेंसिज Bank as shown by the cash book. Bank तो कैश बुक में वहां पर मेरे कहने का क्या मतलब होगा बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ठीक है इस चीज को माइंड में रखना ओके okay? तो जो भी डिफरेंस आएंगे बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में और हमारी पासबुक में उन डिफरेंस उन डिफरेंसेस को रिकनसाइल करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं और वो कौन सी स्टेटमेंट होती है दैट इज़ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट यहाँ तक क्लियर ओके इट इज़ प्रिपेयर बाय द कस्टमर ऑफ अ बैंक तो आपको एम में पूछ सकते हैं कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो होती है उसको कौन प्रिपेयर करता है देन यू हैव टू आंसर कस्टमर ऑफ अ बैंक और अगर नहीं लिखा होगा ये देन वहाँ पर अगर लिखा होगा अकाउंटेंट तो आपने अकाउंटेंट को मार्क करके आना है बैंक लिखा होगा तो उसको मार्क मत करना वो गलत हो जाएगा आप देखोगे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट तो मे बी वो बैंक ही बना रही होगी नो वो कौन बनाता है इधर कस्टमर ऑफ अ बैंक या लिखा होगा अकाउंटेंट या तो लिखा होगा अकाउंट होल्डर अकाउंट होल्डर कौन है वही है कस्टमर जो है बैंक का ठीक है ये तीनों में से जो भी ऑप्शन होंगे आप उसको टिक कर आएंगे टिल हेयर आई थिंक अब आप सबको क्लियर हो गया होगा अच्छे से उसके बाद मैंने आपको कहा कि डिफरेंसेज आते हैं कैश बुक में और एज पर बुक बैलेंस और एज़ पर पासबुक बैलेंस तो वो डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं रीजंस क्या होंगे इट मे भी डिफरेंसेस ड्यू टू टाइमिंग या कुछ ट्रांजैक्शंस होंगे जो बैंक ने रिकॉर्ड कर ली होंगी या कुछ डिफरेंसेस होंगे जो एरर्स की वजह से होंगे और मोस्टली जो एरर्स होते हैं इसमें वो कौन से होंगे कास्टिंग एरर्स अभी आपको याद तो होगा ही अब हमने वो पढ़ा था ओवरकास्ट अंडरकास्ट वाले कॉन्सेप्ट कि कई बार रिसीट साइड ओवरकास्ट हो रही है कई बार कैश पे कई बार पेमेंट साइड ओवरकास्ट है कई बार रिसीट साइड अंडरकास्ट है तो कई बार पेमेंट साइड अंडरकास्ट है तो ये जो ओवरकास्ट या फिर अंडरकास्ट है ये कहाँ पे होता है ये मैंने आपको चीज बताई है माइंड में रखना है दिस इज ऑनली इन कैश बुक तो आपको जब क्वेश्चन में दिया होगा कि, कि किसी की रिसीट साइड कम हुई है पेमेंट हुई है तो आपको खुद ही मान लेना है कि वो कैश बुक की ही बात कर रहे हैं इस चीज़ को माइंड में बिठा लें ठीक है उसके बाद डिफरेंसेस जो हो सकते हैं ड्यू टू टाइमिंग वो क्या होंगे फर्स्ट वन चेक्स इशूड बाय द बैंक बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ये गलत है यहाँ पे चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बाय बैंक यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा ठीक है तो जो चेक हमने इशू करे एग्जाम्पल से समझते हैं सपोज आपका कोई क्रेडिटर है लेट्स एक्स क्रेडिटर एक्स को आपने पेमेंट करनी है बट आपने सोचा क्यों कैश में पेमेंट करनी है लेट्स मेक अ पेमेंट विद द बैंक तो बैंक से आपने पेमेंट करनी है तो आपने क्या करा इसको चेक दे दिया चेक इशू करा और कहा कि बैंक में जाके आप इसको क्लियर करवा ले तो क्या पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है कि क्रेडिटर में भी बैंक में पैसा उस दिन निकालने नहीं जाए तो बैंक में वो आगे फर्दर पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुए इसका ये मतलब हुआ ना सो so, आपने अपनी तरफ से क्या करा होता है चेक इशू कर दिया आपने अपनी कैश बुक में हमें अब जो भी देख रहे हैं यहाँ पे एडजस्टमेंट्स ये होंगे सब, हमने में में यही देखना होता है, क्या हुआ कैश बुक में बैंक कॉलम की बात कर रही हूँ आपने माइनस कर दिया होगा कि इतने से मेरा का बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो गया बट इन रियलिटी अभी बैंक से वो फर्दर प्रेजेंट नहीं हुए थे आगे पेमेंट के लिए तो हुआ क्या होगा बैंक में वो चीज माइनस नहीं हुई थी बैंक में माइनस नहीं हुई थी बट आपने तो माइनस कर दी ना तो ये एक रीज़न है कि डिफरेंस आ जाएगा ठीक है सो डिफरेंस इज ड्यू टू टाइमिंग कि आज नहीं गए तो कल गए तो ये टाइम गैप हुआ ना ठीक है सेकेंड वन चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक कई बार क्या होगा आप चेक्स डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में कि बैंक में पैसा जमा करवा दें और हो सकता है उसी टाइम बैंक से वो चीज़ क्लियर नहीं हो बैंक वो आपको क्रेडिट ना करे बैंक में पैसे अभी नहीं आए कलेक्शन ना हो पाए सो so, आपने अपनी तरफ से कैशबुक में क्या कर दिया होगा प्लस कर दिया होगा कि मेरा तो बैंक का बैलेंस भी इंक्रीज होगा बट बैंक में तो हुआ नहीं सो so, यहाँ पे भी क्या होगा डिफरेंस आ जाएगा वन मोर थिंग ये मैंने आपको बताई थी अब आपको मैसेज आता है जब आप बैंक में पैसे जमा करवाते हैं यू गेट द मैसेज योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड तो क्या कन्फ्यूजन होता है आपको कि हमारा तो बैंक एसेट है हमारा तो डेबिट होना चाहिए था बट वाई डू वी गेट दी मैसेज ऑफ क्रेडिट वो इसीलिए होता है मैंने आपको कहा ना कि सब कुछ अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है तो बैंक जो है बैंक का भी तो अपना बिजनेस ही है ना काइंड ऑफ बिजनेस है तो बैंक में जब आप पैसे जमा करवाते हैं सच में वो बैंक के पैसे नहीं है ना कस्टमर ने जमा करवाए तो बैंक के लिए अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी है जो कस्टमर कभी भी विदड्रॉ करवा सकता है तो जैसे जैसे आप बैंक में और पैसे डिपॉजिट करवाते जाएंगे बैंक की लाइबिलिटी इंक्रीज़ करती जाएगी तो जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज़ करती है बैंक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा तो बैंक की लाइबिलिटी इंक्रीज़ करती है तो क्रेडिट होता है इसीलिए बैंक आपको यह टेक्स्ट करता है मैसेज की आपका अकाउंट क्रेडिट हो गया बट एट द सेम टाइम आप जब अपनी कैश बुक में उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं आप क्या करते हैं डेबिट करते हैं सो so, आपको माइंड में ये रखना है कि जब आपका अकाउंट आपके लिए डेबिट हो रहा है बैंक उसको क्या करता है क्रेडिट करता है एंड वाइसा मीनस यहां पे जब आप क्रेडिट कर रहे होंगे अपने बैंक को तो बैंक क्या करेगा डेबिट बैंक डेबिट क्यों करेगा आपको पता है जब आप विड्रॉल करवाते हैं तो मैसेज क्या आता है कि आपका अकाउंट डेबिट हो गया डेबिट क्यों हो गया क्योंकि बैंक के लिए उस टाइम पे लाइबिलिटी कम हो जाती है तो लाइबिलिटी कम हो तो डेबिट और आप क्रेडिट क्यों करते हैं क्योंकि आपके बैंक का बैलेंस कम हो गया और बैंक आपके लिए एसेट था अब एसेट कम होगा तो क्रेडिट क्लियर है यहाँ तक ओके चलिए फिर ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक अभी क्या रीजन हो सकता है जो डिफ्रेंसेस आ जाएंगे कैश बुक के बैंक कॉलम और हमारी पासबुक में कि कुछ ट्रांजेक्शन होंगी जो डायरेक्टली बैंक में रिकॉर्ड हो चुकी होंगी हमने नहीं करी होंगी व क्या पॉसिबल ट्रांजेक्शन हो सकती है देखते हैं वन बाई वन डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय दैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर कई बार क्या होगा हमने बैंक में इस तरह से अग्रीमेंट हो गया होगा हमारा कि बैंक हमारे बिहाफ पर डायरेक्टली हमारे कस्टमर को पेमेंट कर देगा कस्टमर यहाँ पे क्या हो गया लाइक like, जैसे आपने इंश्योरेंस ले रखी है तो हो सकता है आपका मंथली इंश्योरेंस प्रीमियम जाता हो तो मंथली आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट बट आपको कैश so, हो बुक में नहीं पता होगा तो वो चीज क्या होगी वहां पे डिफरेंसेस हो जाएंगे देन अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट बाय कस्टमर कई बार क्या होगा हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली अमाउंट डिपॉजिट करवा देगा कौन कस्टमर हमारा अब आप यहाँ पे कस्टमर ही खुद को मत मानना हमारा कोई कस्टमर है जिसको हमने चीज़ें सेल करी थी उन्होंने हमें पैसे देने के बजाय कैश में उन्होंने हमारे बैंक अकाउंट में पेमेंट कर दी तो क्या हुआ डायरेक्टली बैंक में पेमेंट रिसीव हुई सो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा बैंक में मतलब पासबुक में प्लस हो गया होगा बट हमने नहीं करा होगा सो दिस इज अनदर रीजन फॉर द डिफरेंस देन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक अब आपने हो सकता है कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखी हो शेयर्स में की हो कहीं और पे तो आफ्टर सम टाइम यू मे रिसीव सम इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड आएगा ऑन शेयर्स या वैसे बोल सकते हैं इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट है डिविडेंड शेयर्स पे है तो डायरेक्टली आपने आपका बैंक अकाउंट उसके साथ लिंक्ड होगा जहाँ पे आपने रिस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी तो डायरेक्टली पैसे आपके बैंक में आ गए बट आपको थोड़ी ना पता कि अकाउंट हमारे उसमें पैसे गए अब तो चलो ऑनलाइन सिस्टम है कि आपको मैसेज जा आ जाता है और

आते हैं प्लस होते हैं बैंक की लाइबिलिटी इंक्रीज करती है तो बैंक क्रेडिट करता है तो बैंक में इंटरेस्ट क्रेडिट होना मतलब तो बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो बैंक का बैलेंस वहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा प्लस हुआ होगा वो अमाउंट बट वो कैश बुक में हमें नहीं पता कि हमारा इंटरेस्ट आया है सो यहाँ पे भी डिफरेंस आ जाएगा देन इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक बैंक हमसे इंटरेस्ट भी चार्ज करता है एनुअल चार्जेस लेता है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होंगे सो so, यहाँ पे क्या होगा बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है मतलब बैंक ने आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट किए बैंक में माइनस हो गया बट हमें नहीं पता है ना सो so, यहाँ पे भी डिफरेंस आ जाएगा इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक आए या फिर इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक आए दोनों का मतलब सेम है इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक होगा देखो डिफरेंस देखना आप यहाँ पे इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक है यहाँ पे इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक है यहाँ पे होता है कि बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है और यहाँ पे है बैंक ने इंटरेस्ट आपसे काटा है क्योंकि इसमें जब वो डेबिट कर रहा है क्या मतलब हुआ बैलेंस वहाँ से कम हो रहा है तो लाइबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ अभी अब ये नहीं सोचना कि सब कुछ बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है ये बता रही हूँ जब ये ट्रांजेक्शन हुई है तब डेबिट या क्रेडिट हुआ कैसे है वहाँ पे हम तो अपनी बुक्स में जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे ओके नाउ मैंने आपको बताया कि डिफरेंस आ सकता है बैलेंस इन कैश बुक और बैलेंस इन पासबुक अब क्या होगा अब मैंने आपको बता दिया कि हमारा जो डेबिट बैलेंस है ऐसे जनरल हमें पता है ना कि बैंक का बैलेंस अगर डेबिट है मतलब हमारे लिए अच्छा है ना जितना बैंक इंक्रीज करेगा अच्छी बात है तो डेबिट होगा सो इट इज़ फेवरेबल ये हमारी बात हो रही है सो so, अगर आपको आए डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक अभी हम समझ रहे हैं मीनिंग ऑफ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल बैलेंस ठीक है सो so, जब होगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इसका क्या मतलब है हमारा वो फेवरेबल बैलेंस है क्यों क्योंकि हमारा बैंक का बैलेंस डेबिट है तो अच्छी बात है ना एज पर कैश बुक लिख रहे हैं मतलब हमारी जो कैश बुक में बैंक कॉलम है उसका डेबिट बैलेंस है सो दैट इज इन फेवर तो ये क्या होगा फेवरेबल बैलेंस और एट द सेम टाइम मैंने आपको बताया जो चीज हमारी डेबिट होती है बैंक में वो क्या हो रही होती है क्रेडिट हो रही होती है सो क्वेश्चन में अगर लिखा हो चाहे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक या लिखा हो डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक दोनों का मीनिंग सेम होगा वो हमारे लिए हमारी कैशबुक में क्या माना जाएगा कि वो फेवरेबल है ठीक है अब वैसे ही अगर आपका हो क्रेडिट बैलेंस एज पर बुक अब मैं बोल रही हूँ क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक आपको समझना है बार बार बोल रही हूं ये क्या है बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक तो हमारे बैंक के कॉलम का क्रेडिट बैलेंस है एज पर कैश बुक तो हमारे लिए अच्छा नहीं है ना बैंक का बैलेंस कम हुआ तभी क्रेडिट हुआ होगा कम हो रहा है नेगेटिव में चला गया है सो so, ये क्या है हमारे लिए अनफेवरेबल बैलेंस क्लियर टू एवरीबडी ओके देन अब ये जो होगा डेबिट बैलेंस अब पता है ये हमारे कैश बुक में क्या होगा क्रेडिट वो हमारे पासबुक में क्या और होगा? होगा? हो रहा होगा रिवर्सल होगा वो डेबिट हो रहा होगा सो अगर क्वेश्चन में दिया होगा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक उसका भी यही मीनिंग है कि वो हमारे लिए अनफेवरेबल है और बैंक के टर्म में कहा जाए तो ये क्या होता है बैंक ओवर ड्राफ्ट क्यों क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब आप बैंक में पैसा जमा करवाएंगे तो बैंक क्रेडिट कर रहा होता है हमें पर बैंक से अगर आप पैसा विड्रॉ करवाते हैं तो क्या करता है बैंक डेबिट करता है सो so, जब आपको कहा है कि डेबिट बैलेंस है एज पर पासबुक इसका क्या मतलब है कि आपने डिपॉजिट्स नहीं करवाए विदड्रॉ करवाया ज्यादा विड्रॉ करवा लिए सो so, आपके बैंक का अमाउंट नेगेटिव चला गया तो ये टर्म तो यूजली आपको पता ही होगा कि बैंक ओवर है नेगेटिव में बैलेंस चला जाता है सो क्या होगा बैंक वैसे भी ओवर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है सो ये वही है क्या होगा बैंक का बैलेंस डेबिट हो गया तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक ओवर ड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक या फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक तीनों का मीनिंग सेम ही होगा ओके okay, चलिए ये देखो यहाँ पे दोबारा मैंने यही चीज समझाई कैश बुक का बैंक कॉलम होता है इतना तो हमें अब चीज क्लियर हो गई बैंक कॉलम की ही बात होगी यहाँ पे और पासबुक का भी ठीक है अगर हमारा बैलेंस इंक्रीज करेगा मतलब हमारे बैंक का कॉलम इंक्रीज करे सो दैट इज डेबिटेड तो डेबिट बैलेंस हो वही हमारे पासबुक में किसके इक्वल होता है क्रेडिट बैलेंस के इक्वल लाइक यहाँ पे देख सकते हैं अभी मैंने बताया जो हमारी कैश बुक में डेबिट बैलेंस हो वो हमारी पासबुक में क्रेडिट बैलेंस के इक्वल होगा और वो क्या होगा फेवरेबल होगा और वो क्या होगा फेवरेबल होगा ठीक है उसके बाद जब हमारा बैलेंस डिक्रीज करेगा मतलब बैंक का बैलेंस डिक्रीज कर रहा है मतलब क्रेडिट बैलेंस की बात कर रहे हैं क्रेडिट है और बैंक में वो चीज क्या हो रही होगी डेबिट हो रही होगी ठीक है हमारे डिपॉजिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ बुक में डेबिट है तो प्लस हो रहा है पासबुक में क्रेडिट है तो भी प्लस हो रहा है बैंक बैलेंस डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट है एज पर कैश बुक और डेबिट है एज पर पासबुक और वो हमारे लिए क्या होता है अनफेवरेबल या ओवर वही चीज मैंने आपको बताई या तो हमारे लिए वो अनफेवरेबल होता है या ओवर होता है यहाँ तक क्लियर है मैं हर एक चीज़ आपको स्टार्टिंग से ही समझा रही हूँ ये मैं आपको जल्दी जल जल जल्दी नहीं करवा रही हूँ ये मैं ऐसा लेके चल रही हूँ जैसे मैं भी आपको फर्स्ट टाइम ही पढ़ा रही हूँ मैं ये मान रही हूँ कि मैंने आपको इस पर डिटेल लेक्चर नहीं दिया फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं सो आपको भी इसको ध्यान से सुनना है जैसे आप भी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ठीक है अब मैंने बता दिया फेवरेबल बैलेंस क्या है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक बोलो या फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक दोनों ही सेम है अभी बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो अच्छे से इसको आप समझ लीजिए पहले अब क्योंकि आगे फिर एडवांस क्वेश्चन आएंगे फिर आप इन टर्म्स में कन्फ्यूज नहीं होगी तभी मैं आपको बता रही साथ साथ में, Then, unfavorable, balance बोलो या फिर overdraft balance बोलो, उसका क्या मतलब होगा? Credit balance as per cash book और डेबिट बैलेंस एज पर पास बुक क्लियर ओके चलिए फिर यही बात अब मैंने आपको बताया अब क्या हो सकता है क्वेश्चंस किस तरह आएंगे आपको दे दिया होगा कोई स्टार्टिंग पॉइंट लेट्स से आपको बोला होगा कि आपको बैलेंस एज पर बुक दिया है कोई भी रिस्पेक्टिव अमाउंट दिया है और बोला होगा कि आप हमें बताएं कि एज़ पर पासबुक क्या होगा और कुछ एडजस्टमेंट्स दे दी होंगी कि बुक का बैलेंस ये है और साल में ऐसा कुछ हो गया कि हमने डिपॉजिट करवाया वो कलेक्ट नहीं हुआ हमने पेमेंट कर दी बट बैंक से नहीं हुई सो कई सारे रीजन्स होंगे तो उनकी एडजस्टमेंट्स के बाद हमने इन दी एंड क्या निकालना होगा पासबुक का बैलेंस निकालना होगा एक चीज़ आपको ध्यान करनी है अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली भी नहीं बोला होगा ना कि पासबुक का बैलेंस निकालिए अगर क्वेश्चन तो उस चीज का हिंट हमें कहाँ से मिल जाता है क्वेश्चन में जिसका बैलेंस दिया है स्टार्टिंग पॉइंट जो दिया है कैश बुक का स्टार्टिंग पॉइंट दिया है तो ऑब्वियसली वी हैव टू अराइव एट दी बैंक बैलेंस ऑफ पास बुक हमें बैलेंस ऑफ पासबुक में अराइव करना है और सब कुछ और सब कुछ कैसे सोचना है जैसे पासबुक में हो रही होगी सारी एडजस्टमेंट्स एज पर पासबुक ही करनी है तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई थी कि अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक का है और इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि कैश बुक का बैलेंस दिया है तो हमने किसके बैलेंस पे जाना है पासबुक के बैलेंस पे जाना है तो सब कुछ कैसे करना है डू वट एवर दी बैंक हैज़ डन सब कुछ बैंक के जैसा करना है बैंक ने अगर वो चीज़ प्लस करी होगी तो हम भी यहाँ पर प्लस कर देंगे एक एग्जाम्पल बताती हूँ लाइक like, जैसे आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिया है एज़ पर कैश बुक और आपको एडजस्टमेंट दे दी है चेक इशूड बट नॉट येट प्रजेंटेड फॉर पेमेंट अब हमने ये चीज़ समझ ली होता क्या है हमने इशू कर दिया चेक बट बैंक से आगे फर्दर वो प्रेजेंट नहीं हुआ फॉर दी पेमेंट चेक हमने इशू कर दिया इसका मतलब हमने कैश बुक में वो चीज़ माइनस कर दी बट बैंक में तो वैसी नहीं हुई और ये केस लेके चलिए कि स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक का है बट हमने पासबुक पर जाना है और सब कुछ हमने सोचना भी कैसे है जैसे पासबुक में हुआ होगा सिंपल याद रखे जिसका बैलेंस निकालना है उसी के अकॉर्डिंग सोचना है ठीक है तो क्या हुआ होगा कैश बुक में हमने माइनस कर दिया बट ये चीज़ अभी पासबुक में माइनस नहीं हुई ना सो इन ऑर्डर टू करेक्ट दिस रिकनसाइल करने के लिए पासबुक के साथ हम दोबारा प्लस कर देंगे तो यहां पे क्या होगा प्लस होगा वैसे ही सेम तो होगा कैश बुक बुक में हुआ है, वैसा कर लो। तक? ठीक है। यही मैंने आपको यहां पे भी बताया था कस्टमर लो अकाउंट होल्डर बोलो या अकाउंटेंट बोल लो ठीक है बैंक रिकंसुलेशन स्टेटमेंट यही लोग बनाते हैं चलिए उसके बाद देखते हैं अब कुछ मैंने यहाँ पे टर्म्स बाद में अब एड ऑन करी थी और इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे भी सेंड की हुई है मीनिंग ऑफ डिफरेंट स्टेटमेंट्स यूज फॉर इंटरेस्ट इन बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट्स अभी मैंने आपको बताया कि कई बार बैंक इंटरेस्ट डेबिट करता है कई बार बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट करता है मीनिंग मैंने आपको बता दिया तो ये पॉसिबल स्टेटमेंट्स यूज हो सकती हैं उसके लिए इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ठीक है या फिर इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक या फिर इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक इन तीनों का मीनिंग सेम ही होगा चार्ज बाय बैंक मतलब बैंक ने आपके अकाउंट से पैसे काट लिए पेड बाय बैंक बैंक ने पेमेंट कर दी इंटरेस्ट की कोई तो वो भी क्या होगा माइनस ही हुआ होगा चार्ज बाय बैंक में भी माइनस हुआ होगा और डेबिटेड बाय बैंक में भी माइनस हुआ होगा मीन्स बैंक से पैसे कट गए तो बैंक में माइनस हुआ होगा अभी हम सिर्फ कॉन्सिक्वेंस देख रहे हैं कि हुआ क्या होगा फिर जो आपको एडजस्टमेंट दी होगी स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया होगा उसके हिसाब से हमने एडजस्टमेंट

बच्चे इसमें गलती करते हैं इंटरेस्ट कलेक्टेड और पेड आप सोचते हैं बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया इसका मतलब है बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे निकाल के कलेक्ट किया ये मतलब नहीं होता है ये मतलब होता है कि बैंक ने हमारे बिहाफ पे किसी और से इंटरेस्ट कलेक्ट किया है ठीक है क्लियर कर लेना इसको माइंड में और ये है इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ये जो है बैंक ने किसी को पेमेंट करी है वो अलग है और इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक बोल लो और डेबिटेड बाय और इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक अलग है और ये इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक भी अलग है ये अलग क्या है इसी के जैसा कि बैंक ने डेबिट कर दिया आपके अकाउंट से पैसे काट लिए सो so, याद रखिए ये पॉसिबल चीज़ें हो सकती है जो भी इनमें से होगा उसका मीनिंग होगा माइनस हुआ होगा और ये इसमें से जो पॉसिबल केस होगा सबका मीनिंग क्या होगा प्लस हुआ होगा क्लियर है कोई डाउट आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में मैं आपको बता दूंगी या फिर आप टेलीग्राम में भी पूछ सकते हैं ठीक है उसके बाद कुछ टर्म्स रिलेटेड टू तो बैंक रिकंसिडेशन स्टेटमेंट जो यहाँ पे यूज होंगी ये भी मैंने नहीं एड ऑन की है तो आप चाहें तो उसके नोट्स बना सकते हैं ठीक है देखो पहला डिपॉजिट इन ट्रांजिट अभी मैं आपको सिर्फ स्टेटमेंट्स की मीनिंग समझा रही हूँ कि इसका इफेक्ट कॉन्सिक्वेंस हुआ क्या होगा डिपॉजिट इन ट्रांजिट इसका क्या मतलब है इन ट्रांजिट मतलब वो रस्ते में है अभी वो चीज़ आपने डिपॉजिट कर दिया अपनी तरफ से बैंक में पैसे जमा करवा दिए आपको लग रहा है डिपॉजिट करवा दी बट एक्चुअल में भी नहीं हुआ क्योंकि वो इन ट्रांजिट है सो so, हुआ क्या होगा उसको आपने कैश बुक में प्लस कर दिया होगा पासबुक में उसकी कोई भी एंट्री नहीं हुई होगी क्लियर देन आउटस्टैंडिंग चेक्स ध्यान से सुनना ये तो इम्पॉर्टेंट है बहुत मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इन्हीं टर्म में इन्हीं टर्म्स में कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा इसको आउटस्टैंडिंग चेक्स अनप्रेजेंटेड चेक्स चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बाय द बैंक तीनों का मीनिंग सेम है और क्या मतलब है इशूड का पता लग गया ना वही कि पासबुक में कि कैश कि कैश बुक में माइनस कर दिया बट पासबुक में नहीं हुआ है सो so, यही है डिडक्टेड इन द कैश बुक बट नॉट इन पासबुक आउटस्टैंडिंग चेक्स का भी यही मतलब होगा और अनप्रेजेंटेड का भी यही मतलब होगा अब आगे टर्म्स अब आगे क्वेश्चंस में इनमें से कोई भी टर्म आएगी आपको मतलब समझ आना है कि उसमें हुआ क्या है ठीक है देन आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स अनकलियर लॉजमेंट्स अनकलियर डिपॉजिट्स अनक्रेडिटेड डिपॉजिट अनकेक्टेड डिपॉजिट्स टैक्स इशूड टैक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाई द बैंक टैक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक ये आई थिंक दो बार रिपीट हो गया इसको छोड़ देना ठीक है अब क्या है ये सारी टर्म्स का मीनिंग भी सेम है आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स लिखाओ आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स का क्या मतलब होता है लॉज करना यही मतलब कि आपने जमा करवा दी है वो चीज बट वो आउटस्टैंडिंग है मींस डिपॉजिट करवा दिया बट बैंक में वहां पे अभी वो चीज़ क्लियर नहीं हुई बैंक में एड ऑन नहीं हुआ सो कैश बुक में ऐड हो गई होती है वो चीज़ बट बैंक में नहीं हुई होती इन सब टर्म्स के मीनिंग आपको अच्छे से समझने होंगे अनक्लियर्ड बोल ले या फिर अनक्लियर्ड आई मीन अनकलीर्यर लॉजमेंट्स अनक्लेर्यर डिपॉजिट्स जो क्लियर नहीं हुए बैंक से अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स देखो अनक्रेडिटेड बैंक में अभी वो चीज़ क्रेडिट नहीं हुई क्रेडिट होने का मतलब क्या होता है बैंक में वो चीज़ प्लस तो अनक्रेडिटेड है दैट मीन्स वो चीज़ हमने प्लस कर दी है बैंक में नहीं हुई है सेम अनकलेक्टेड डिपॉजिट्स बोल लो या फिर चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाई दी बैंक इस चीज़ को माइंड में बिठा ले इसकी तो फोटो छपा ले माइंड में ये सब इंपॉर्टेंट है ये टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज़ होती रहती हैं ओके okay? चलिए उसके बाद ये भी मैंने आपको आंसर्स टू योर क्वेश्चन वाले सेशन में समझाया था एक बार जल्दी से सुन लो बस बाकी अब इसके लिए आपको डिटेल में समझना है कि इनके रीजन क्या है ये आंसर क्यों है तो एक बार वो सेशन देख लेना कुछ ही मिनट्स का ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इसका क्या मतलब है ऑप्शन में जो भी आपको दिए होंगे आपको एम ये वाले मार्क करके आने हैं यही है कुछ टर्म्स इसमें भी कंफ्यूजन होती है बच्चों को तभी मैंने यहाँ पे क्लियर किया था आपको क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट होगा इसका मतलब होगा ओवरड्राफ्ट या फिर अमाउंट पेएबल टू बैंक क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक लिखा होगा तो उसका भी मतलब क्या होगा ओवरड्राफ्ट या स ऑफ बैंक ऑनम इन कैश बुक उसका क्या मतलब होगा ओवर ड्राफ्ट अमाउंट पेबल टू बैंक और ये भी क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक उसका भी मतलब होगा ओवर ड्राफ्ट या फिर अमाउंट पेबल टू बैंक तो ये जो टर्म्स हैं ये वाली फर्स्ट सेकेंड फोर्थ फिफ्थ इसका मीनिंग सेम है फिर क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इन कैश बुक उसका मतलब होता है कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक या उसको हम बोल सकते हैं वो हमारे बैंक का बैलेंस है और या फिर हो कि क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक उसका क्या मतलब होगा बैंक बैलेंस है वो भी कैश डिपॉजिटेड ये दोनों सेम है ओके अगर आपको इनकी एक्सप्लेनेशन चाहिए कि क्यों कैसे है यहाँ पे तो मैं वही बोलूंगी वो सेशन देखिए आंसर्स टू योर क्वेश्चंस ठीक है अब देखते हैं फॉर्मेट कुछ ऐसा है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का हम ऐसे बनाते हैं पर्टिकुलर्स एक तरफ प्लस आइटम्स और माइनस आइटम्स प्लस प्लस आइटम्स में अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा फेवरेबल तो वो प्लस वाली साइड आएगा मतलब उसको पॉजिटिव में लिखेंगे और अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट अनफेवरेबल होगा या हम कह सकते हैं ओवरड्राफ्ट होगा तो उसको नेगेटिव में लिखेंगे और स्टार्टिंग पॉइंट मैंने आपको बोला इट कैन बी इधर कैश बुक या फिर पासबुक और आपको एम ऐसे पूछ सकते हैं वैन यू मेक अ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट पहली स्टार्टिंग में स्टेटमेंट क्या होगी तो आपको पता होगा या तो कैश बुक होगी या तो एज पर पासबुक होगी इस चीज़ का आपने याद रखना है और क्लोज कैसे करना है कि अगर आपका बैंक बैलेंस दिया है एज़ पर कैश बुक तो आपने किस पे जाना है एज़ पर पासबुक और सब कुछ वैसे ही सोचना है जैसे पासबुक में हुआ होगा और अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिया है एज़ पर पासबुक इसका मतलब हमने जाना है कैश बुक तक और सब कुछ सोचना है एज पर कैश बुक यहाँ तक क्लियर है क्योंकि अब हमने करनी है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए तब भी होगा इजीली आप सॉल्व कर पाओगे और आपको डाउट भी नहीं आएगा ठीक है देखते हैं पहला क्वेश्चन ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक शोड डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज अभी हम देख रहे हैं कि फॉर्मेट में किस तरह से बैंकिंग कंसलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे ओके यहाँ पे अब पता है हमें पर्टिकुलर आएगा एक जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि हमने फॉर्मेट में कैसे बनाना है अदरवाइज आपको एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा आपको सिंपल आंसर चाहिए उनको इन दी एंड कि आप करेक्ट एम सी क्यू मार्क करके आए एक हम समझ लेते हैं फॉर्मेट के थ्रू बाकी सिंपल हम ऐसे ही निकाल लेंगे कि हमारा आंसर आ जाए ओके थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन को क्या हुआ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक शोड डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज ट्वेल्व थाउजेंडर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी में जो बैंक कॉलम था लिखा होता है क्या मतलब है हमारे लिए फेवरेबल है अभी हमने समझ ली है सारी टर्म्स तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट हमें दिया है फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक या यही हुआ डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक और अगर आपको टॉपिक आता है अच्छे से तो आई विल रिकमेंड कि वीडियो को पॉज कीजिए खुद ही सॉल्व करना एक बार लास्ट में इकट्ठे मेरे साथ फिर मैच कर लेना ओके बट द पासबुक शोड अ डिफरेंट अ डिफरेंट बैलेंस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस हमें बता दिया कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है पर जो पासबुक है उसका डिफरेंट बैलेंस आया है इन सब रीजंस की वजह से और वो रीजंस क्या थे वन बाय वन टैक्स वर्थ रुपीज फिफ्टीन हंड्रेड डिपॉजिटेड इन द बैंक बट कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी वन अब मैं आपको इतना भी बता दूँ इतना फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में ये तो जस्ट हम सीख रहे हैं कि कैसे निकालेंगे हम आंसर्स को बाकी हो सकता है एक एडजस्टमेंट दे दियो और स्टार्टिंग पॉइंट दियो फिर बोलेंगे कि बैलेंस बता दो या ऐड करना है सब ऐड करना है उसके अकॉर्डिंग ठीक है और मैं आपको बोल हूँ अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए आई वॉन्ट के जितने व्यूज होते हैं वीडियो को उतने लाइक्स हो इससे मुझे मोटिवेशन आता है एंड प्लीज़ गिव योर रिव्यूज इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये मैराथन सीरीज कैसी लग रही है ठीक है वेदर इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू और नॉट ओके चलिए फिर अब आपको कहा गया इस रीज़न में कि जो चेक थे फिफ्टीन हंड्रेड के हमने पहले तो ये भी है कि आपको क्लोजिंग डेट माइंड में रखनी है कि है क्या थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन बी आर एस बना रहे हैं हम एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन अब क्या हुआ चेक्स हमने फ़िफ्टीन हंड्रेड के जमा करवा दिए अब इस टर्म का हमें मीनिंग समझ आ गया है ना डिपॉजिट करवाते हैं तो क्या होता है हमने कैश बुक में ये प्लस कर दिया हमने मान लिया हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया बट हुआ क्या बैंक में वो कब जाके कलेक्ट हुए हैं ऑन फर्स्ट अप्रैल 2021 मींस हमारे क्लोजिंग ईयर की जो डेट है उसके एक दिन बाद इसका क्या मतलब हुआ तब तक हमारे बैंक में वो पैसे नहीं आए थे और हमने अपनी कैश बुक में उसको प्लस कर लिया था फिफ्टीन को तो अब हमने देखा कि स्टार्टिंग पॉइंट किसके अकॉर्डिंग है एज़ पर कैश बुक तो इसका मतलब हमने जाना कैसे है एज़ पर पास बुक हमने क्लोजिंग बैलेंस निकाल हमने जो एंड में बैलेंस निकालना है वो पर पासबुक निकालना है और जो भी एडजस्टमेंट्स करनी है वो भी कैसे करनी है एज पर पास बुक ओके तो फिफ्टीन हंड्रेड हमने प्लस कर दिया बट बैंक में नहीं हुआ सो so, इसके साथ रिकनसाइल करने के लिए पासबुक के साथ हम भी क्या करेंगे उसको दोबारा माइनस कर देंगे चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड और अभी हमने देखा ये हो चाहे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड हो अनियड लॉजमेंट्स हो अनकलियर डिपॉजिट्स हो अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स हो ये सब का क्या मतलब होगा यही टर्म होगी हो वो ओके डेबिट बैलेंस आपको कितने दिया था यहाँ पे ट्वेल्व थाउजेंड क्योंकि ये फेवरेबल है तो हमने यहाँ पे प्लस साइड पे लिखा और जो हमने माइनस करना है वो क्या करेंगे हम ये फिफ्टीन हंड्रेड को यहाँ पे माइनस में लिख देंगे ओके देन वन ऑफ अवर कस्टमर डिपॉजिटेड रुपीज थर्टी टू हंड्रेड डायरेक्टली इन द बैंक अकाउंट बट इट वॉज एंटर्ड इन द पासबुक ओनली हमारा कोई कस्टमर था जिसने डिपॉजिट करवा दिया हमारे बैंक में थर्टी टू हंड्रेड रुपीज़ वो डायरेक्टली वहीं पे जमा करवा दी इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ पासबुक में ही एंट्री हुई होगी उसकी तो क्या हुआ हमने तो प्लस नहीं ना करा बट पासबुक में वो पैसे आ गए तो बैंक का बैलेंस उससे इंक्रीज कर गया प्लस हो गया वहाँ पे सो तो हमने सोचना भी कैसे है एज पर पासबुक तो कैश बुक में क्या कर दो उसको प्लस कर दो सो यहाँ पे क्या हो जाएगा Amount directly deposited कितना हो जाएगा रुपीज़ थर्टी टू हंड्रेड प्लस करेंगे उसके बाद चेक्स ऑफ रुपीज नाइनटी टू हंड्रेड वर इशूड ऑफ विच रुपीज ट्वेंटी टू हंड्रेड वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन फिफ्टींथ जून कुछ चेक्स थे कितने के नाइन्टी टू हंड्रेड के हमने इशू कर दिए मतलब इशू करने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे अब कि हमने अपनी तरफ से कैश बुक में नाइन्टी टू हंड्रेड के चेक्स माइनस कर दिए पर हुआ क्या उनमें से जो ट्वेंटी टू हंड्रेड के चेक्स थे ना वो कब प्रेजेंट हुए हैं आगे पेमेंट के लिए फिफ्टींथ जून को हमारा साल खत्म हो रहा है थर्टी फर्स्ट मार्च को बट बैंक से वो कब कटी पेमेंट फिफ्टी जून को मीन्स हमारे क्लोजिंग ईयर के बाद या हमारे एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर के बाद ट्वेंटी टू हंड्रेड की पेमेंट तब तक नहीं हुई थी बट हमने अपने अकाउंट में पूरी नाइन्टी टू हंड्रेड की करी है जबकि देखा जाए तो बैंक में कितनी हुई होगी सिर्फ पेमेंट सेवन थाउजेंड की क्यों क्योंकि ट्वेंटी टू हंड्रेड की पेमेंट हुई नहीं तो बैंक से सिर्फ और सिर्फ सेवन थाउजेंड ही लेस हुआ था थर्टी फर्स्ट मार्च तक तो क्या करेंगे हम भी दोबारा ये जो ट्वेंटी टू हंड्रेड वहाँ से माइनस नहीं हुआ था हम यहाँ पे भी माइनस नहीं करेंगे बुक में दोबारा प्लस कर देंगे क्योंकि बैंक में नहीं हुआ है माइनस तो हमने भी बैंक के अकॉर्डिंग ही जाना है बैंक के अकॉर्डिंग मेरा मतलब है यहाँ पे पासबुक के अकॉर्डिंग ओके तो यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस अन प्रजेंटेड चेक्स कितना आ जाएगा वो ट्वेंटी टू हंड्रेड उसके बाद पासबुक शोड अ क्रेडिट ऑफ रुपीज़ थ्री थर्टी इसका क्या मतलब हुआ पासबुक में शो किया है कि क्रेडिट हुआ है थ्री थर्टी का इसका मतलब और यहाँ पे लिखा है एज इंटरेस्ट मतलब बैंक में इंटरेस्ट आया है थ्री थर्टी का क्योंकि मैंने बताया ना क्रेडिट होता है बैंक में तो मतलब वो आपको इंटरेस्ट मिला है सो so, यहाँ पे पासबुक में इंटरेस्ट थ्री थर्टी का प्लस हुआ है पर हमारी वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे प्लस क्रेडिट बाय बैंक थ्री थर्टी उसके बाद क्या हो उसके बाद डेबिट भी हुआ है रुपीज सिक्सटी का एज बैंक चार्जेस बैंक चार्जेस कटे हैं हमारे बैंक से तो बैंक उसके लिए हमें डेबिट ही करता है सो so, बैंक में माइनस हुआ है सिक्सटी हम भी यहाँ पे क्या करेंगे लेस बैंक चार्जेस यहाँ पे आ जाएगा सिक्सटी सो so, पहले आप सारी प्लस वाले आइटम्स को प्लस कर लें दैट इज़ रुपीज सेवनटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड थर्टी और जब आप क्रेडिट साइड का और जब माइनस साइड का टोटल करेंगे तो आ रहा है वो फिफ्टीन सिक्सटी सो सेवनटीन सेवन थर्टी में से माइनस करो वन फाइव सिक्स जीरो आपका बैलेंस एज़ पर पासबुक कितना आ गया वन सिक्स वन सेवन जीरो सो दिस इज़ दी आंसर और इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं बस यही है आपको ये समझ के चलना है माइंड में कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया है क्लोजिंग क्या निकालना है जो क्लोजिंग निकालना है उसी के अकॉर्डिंग सारी एडजस्टमेंट्स भी करनी है क्लियर है इजी है कितना चलिए अब मैंने ये आपको समझाना था फॉर्मेट के थ्रू अब मैंने आपको पॉसिबल केसेस बताए कई बार डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक होगा कभी एज पर पासबुक या हो सकता है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक हर एक के पॉसिबल क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे बनाए हैं तो इन सबको मेरे साथ सॉल्व करते जाइए सारे न्यू है प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी अब पहला केस जब आपका डेबिट बैलेंस होगा एज पर कैश बुक उसका ये मतलब हुआ जो हमारा फेवरेबल बैलेंस है ठीक है वन बाय वन देखते हैं अब क्या है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ मिस्टर विनोद प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड फोर्टीन बैंक रिकनसलेशन स्टेटमेंट बनाइए और आपको क्या दिया है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एक और चीज का याद रखना है कुछ नहीं ना लिखा है सिर्फ लिखा है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक तो आपको हमेशा क्या मान के चलना है कि वो आपका फेवरेबल बैलेंस ही है दैट मीन्स इट इज डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक वो कितना है फिफ्टी थाउजेंड तो हमें पता लग गया कि स्टार्टिंग पॉइंट हमें क्या दिया है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक वो कितना हो जाएगा फिफ्टी थाउजेंड अब मैंने आपको कहा कि फॉर्मेट में नहीं मैं ऐसे करूंगी प्लस आइटम्स यहाँ पे माइनस आइटम्स यहाँ पे डायरेक्टली मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ जो प्लस होगा सिंपल ऐसे रखूंगी और जो माइनस होगा उसको मैं ब्रैकेट्स में कर दूंगी ठीक है ओके okay. नाउ अब आपको एडजस्टमेंट्स क्या किए हैं अब आपको एडजस्टमेंट्स दिए हैं टेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अब हम अब हमें पता है कि जब चेक इशू करते हैं तो कैश बुक में वो चीज़ माइनस हो जाती है पहले देख लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट क्या है एज पर कैश बुक हमें पता लग गया हमने कहाँ पर जाना है एज पर पास बुक तो सारी एडजस्टमेंट्स करेंगे जैसे पासबुक में हुआ होगा तो हमने चेक इशू करा मतलब हमने माइनस कर दिया होगा पर पासबुक में तो माइनस नहीं हुआ ना सो so, करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे दोबारा सिक्स थाउजेंड को प्लस कर देंगे प्लस अनप्रेजेंटेड चेक्स सिक्स थाउजेंड ओके देन बैंक है डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ रुपीज़ एट थाउजेंड एंड क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट बट वॉज नॉट एंटर्ड इन दी कैश बुक बैंक में डायरेक्टली कलेक्ट हो गया हमारा कुछ डिविडेंड का अमाउंट और वो बैंक में क्रेडिट हो गया बैंक ने कलेक्ट करा और बैंक में क्रेडिट हो गया ऑब्वियसली बैंक में हमारा कुछ पैसा आया है तो बैंक में क्रेडिट ही हुआ होगा बैंक में क्रेडिट हो गया मतलब बैंक में वो चीज प्लस हो गई पर हमारी कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं हुई होगी अभी तक हमने सोचना भी किसके अकॉर्डिंग है एज पर पासबुक जैसे बैंक में हुआ होगा सो so, बैंक ने प्लस करा है हम भी क्या कर देंगे प्लस कर देंगे यहाँ पे आ जाएगा डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड वो आ जाएगा एट थाउजेंड देन बैंक चार्जेस ऑफ रुपीज़ फोर हंड्रेड नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक अब कुछ बैंक चार्जेस थे फोर हंड्रेड के वो एंटर नहीं हुए कैशबुक में बैंक चार्जेस मतलब बैंक ने पैसे काटे होंगे सो so बैंक में वो चीज़ माइनस हुई होगी हमने सोचना भी पासबुक के अकॉर्डिंग है सो so यहाँ पे भी लेस कर दो बैंक चार्जेस वो आ जाएंगे फोर हंड्रेड माइनस करने मैंने बोला मैं ब्रैकेट में लिखूंगी उसको उसके बाद अ चेक्स ऑफ रुपीज सिक्स थाउजेंड वॉज डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक हमने चेक सिक्स थाउजेंड के डिपॉजिट करवाए मतलब कैश बुक में वो चीज़ प्लस हुई होगी पर बैंक में अभी वो चीज़ कलेक्ट नहीं हुई हमने सोचना भी कैसे है पासबुक के अकॉर्डिंग अब कैश बुक में प्लस कर दिया था पर पासबुक में तो नहीं हुआ था ना बैंक में कलेक्ट ही नहीं हुआ है सो so, उसको रिकनसाइल करने के लिए क्या करेंगे हम वापस माइनस कर देंगे अन डिपॉजिटेड चेक्स कितना आ जाएगा वो सिक्स थाउजेंड ये हम लिखेंगे माइनस में सो so, आपका बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा जब आप फिफ्टी जब आप फिफ्टी थाउजेंड प्लस सिक्स थाउजेंड प्लस एट थाउजेंड माइनस फोर हंड्रेड माइनस सिक्स थाउजेंड करोगे तो वो आपका बैलेंस आएगा रुपीज़ फिफ्टी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड दैट्स योर आंसर क्लियर है यहाँ तक ओके okay. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब वो हो गया हमारा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक अब अगला केस क्या हो सकता है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक उसको देखते हैं ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड फोर्टीन दी बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक ऑफ अग्रवाल ट्रेडर्स शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज़ वन लैक एटीन थाउजेंड वन हंड्रेड ओवर ड्राफ्ट अगर ओवर ड्राफ्ट नहीं भी लिखा होता तो हमें पता लग जाता क्यों क्योंकि उन्होंने कहा है कि कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसका क्रेडिट बैलेंस है और हमें पता है जब हमारी कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होता है दैट मीन्स वो क्या है हमारा ओवर ड्राफ्ट ही है पता है ना ओवरड्राफ्ट कैसे ही हमने कैश बुक में ऑलरेडी समझ रखा है ऑन एग्जामिनिंग ऑफ द कैश बुक एंड द बैंक स्टेटमेंट इट वाज फाउंड दैट अब क्या हुआ जब हमने एग्जामिन करा हमारी कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट को ये रीजंस कुछ थे जो पता लगे फिर हमने क्या बनानी है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट अब हमें पता है कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्रेडिट बैलेंस ऑफ सॉरी क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक और ये है ओवरड्राफ्ट कितना वन लैक एटीन थाउजेंड वन हंड्रेड तो ओवरड्राफ्ट वाला बैलेंस ये हमारे लिए क्या है अनफेवरेबल और अनफेवरेबल बैलेंस है और ओवरड्राफ्ट है और क्रेडिट बैलेंस है इसको हम माइनस में लिखेंगे ठीक है माइनस में क्यों लिखेंगे क्योंकि ओवरड्राफ्ट है नेगेटिव ही है वो हमारा बैलेंस क्लियर ओके चेक्स रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन क्या हुआ हमने चेक रिसीव करा हमने अपनी बुक में रिकॉर्ड कर दिया पर आगे फर्दर हमने बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा ही नहीं चेक हमारे पास ही पड़ा रहा घर पे हमने उसको आगे फर्दर बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा नहीं बट हमने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया कि हमारे बैंक में पैसा आ गया है कैश बुक में हमने प्लस कर दिया होगा और हमने क्या करना है स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक के लेके चलना है इसका मतलब हमने पासबुक में अराइव होना है और सब कुछ सोचना भी कैसे होगा एज़ पर पासबुक पासबुक में वो चीज़ प्लस नहीं ना हुई सो इन ऑर्डर टू करेक्ट इट हम यहाँ पर क्या करेंगे चेक्स अनकलेक्टेड हम यहाँ पे ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड को माइनस कर देंगे हमने अपनी तरफ से वहाँ प्लस किया था अब मैं ये चीज़ पहले ही आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ क्या है अभी जो हमने पहले क्वेश्चन करा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक वाला उसमें था क्या क्या चीज़ पॉजिटिव थी अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं आपको कंपेयर करवाने के लिए यहाँ पे कर रही हूँ सपोज़ ये दूसरा केस है कि हमारा डेबिट बैलेंस है ठीक है वन वन एट वन डबल ज़ीरो डेबिट है और चेक्स कलेक्टेड वाला ही केस है हमें पता है यहाँ पे माइनस ही करना था फिर से पर होता क्या है अगर आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन पूछेंगे वेन दी अब दो दो चीजें देखना रुको मैं यहां पे लिखती हूं जस्ट अ मिनट लिखा होगा वेन स्टार्टिंग पॉइंट ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर कैश बुक इज यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट एज बैलेंस लिख लो स्टार्टिंग पॉइंट हमें दिया है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक वैन स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन देन चेक्स अनडिपॉजिटेड वही मतलब अनकलियर बोल लो अनक्रेडिटेड बोल लो इसको क्या करेंगे चेक्स अनडिपॉजिटेड शुड बी खुद पहले आंसर सोचना ठीक है एडेड सब्ट्रैक्टेड नो no ट्रीटमेंट या फिर नन ऑफ दीज ऐसे कुछ ऑप्शन दिए होंगे आपको ठीक है एक ही केस है ध्यान से सुनना अभी जो आपने पहले करा केस देन एक क्वेश्चन क्या दे सकते हैं इसको मैं दूसरे पेन से लिखती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए वेन स्टार्टिंग पॉइंट एज पर या ऐसे लिखते हैं वेन स्टार्टिंग पॉइंट इज क्रेडिट Balance as per cash book, then undeposited checks should be. वैसे ही सेम ऑप्शन no कुछ भी इन एंड हमने देखना है ऐड होना है या सब्ट्रैक्ट होना है तो दोनों में डिफरेंस क्या है ध्यान से देखना अब मैं आपको केसेस भी आ, साथ में कंपेयर करवाती हूँ जब हमने पहले भी करा क्वेश्चन तो क्या करा सीधे माइनस करके जो आंसर आया लिख दिया क्योंकि अब आपने क्या करना होता है जब ये स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आते हैं ना तब आपने नेट इफेक्ट देखना है क्योंकि यहाँ पे प्लस ही था तो यहाँ पे माइनस ही होना था ये कन्फर्म था प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस प्लस की वजह से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा स्टार्टिंग पॉइंट हमारा था ही पॉजिटिव में बट इन दिस केस यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है और वो आगे ही नेगेटिव में है सो so, यहाँ पे हम जब एज पर पासबुक सोच के माइनस में लिख तो रहे हैं कि माइनस करेंगे यहाँ से बट हमने देखना है नेट इफेक्ट सच में क्या हो रही है वो चीज़ उसमें ऐड ही हो रही है क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है सो so, जब आपको दिया है स्टार्टिंग पॉइंट एज पर डेबिट बैलेंस जो स्टार्टिंग पॉइंट एज स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक होगा ये वाला केस सो यहाँ पे हमने आंसर करना है सब्ट्रैक्टेड क्योंकि वो चीज़ सच में माइनस ही हो रही है उस बैलेंस में से पर यहाँ पे जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट बैलेंस दिया है एज पर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट नेगेटिव में है ठीक है फिर अनडिपॉजिटेड चेक्स को क्या करना है तब आपने सब्ट्रैक्टिड नहीं करना है कि देखो ये माइनस में लिख रहे हैं तो सब्ट्रैक्टेड हो गया हमने हमेशा नेट इफेक्ट ही देखना है सो दैट इज प्लस आई होप अब आपको ये चीज़ क्लियर होगी होगी इसमें गलती मत करना जब हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं कि इन दी एंड हमने बैलेंस निकालना है तब यहाँ पे माइनस करके सॉल्व तो कर रहे हैं बट आपने हमेशा नेट इफेक्ट को ही देखना है कि कर क्या रहे हैं वहां पे प्लस हो रहा है सच में वो चीज़ या माइनस हो रही है ये तो हमारे क्रेडिट बैलेंस में इन रियालिटी प्लस ही हो रहा है क्लियर है यहाँ तक ठीक है अब हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अगेन आपको दिया है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक वन वन एट वन डबल जीरो लिख दिया नेगेटिव में और ये वाला हमने कर लिया था अनडिपॉजिटेड चेक्स जो थे ट्वेल्व फोर हंड्रेड वाले वो हमने माइनस ही करने थे यहाँ पे पर प्लस हो रहा है सच में जब स्टेटमेंट की बात आती है तो प्लस ही होता है ठीक है उसके बाद पेमेंट रिसिव फ्रॉम अ कस्टमर डायरेक्टली बाय द बैंक रुपीज ट्वेंटी सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड कुछ पेमेंट थी जो हमने डायरेक्टली हमारे बैंक ने कस्टमर ने उसमें डाल दी हमारे बैंक ने रिसीव कर ली हमारे कस्टमर से पर वो उसकी एंट्री हमारी कैश बुक में नहीं हुई दैट मीन्स पासबुक में वो चीज़ प्लस हो गई हमने सोचना भी किसके अकॉर्डिंग है पासबुक के अकॉर्डिंग सेंस द स्टार्टिंग पॉइंट इज कैश बुक सो पासबुक में प्लस हो गई हम यहाँ पे भी प्लस कर देंगे डायरेक्ट पेमेंट कलेक्टेड बाय बैंक ट्वेंटी सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड उसके बाद चेक्स इशूड फॉर रुपीज़ वन सेवन फाइव टू डबल ज़ीरो नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अब कुछ चेक इशू करे कितने के वन सेवन फाइव टू डबल ज़ीरो वो आगे फर्दर प्रेजेंट ही नहीं हुए पेमेंट के लिए मतलब हमने अपनी कैश बुक में इशू करते टाइम माइनस कर दिया बट पासबुक में आगे फर्दर वो माइनस नहीं हुआ सो so, पासबुक पे ही जाना है पासबुक के अकॉर्डिंग ही सोचना है so, पासबुक में प्लस नहीं पासबुक में माइनस नहीं हुआ तो यहाँ पे भी क्या कर दो वापस प्लस कर दो अन प्रेजेंटेड चेक्स ठीक है वो आ जाएगा वन सेवन फाइव टू डबल जीरो देन उसके बाद इंटरेस्ट ऑफ रुपीज एटी एट हंड्रेड चार्ज बाई द बैंक वॉज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज करा मतलब बैंक में माइनस हुआ होगा वो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा बैंक में माइनस हो गए यहाँ पे भी माइनस में लिख दो दैट इज इंटरेस्ट चार्ज एटी एट हंड्रेड तो यहाँ पे माइनस में आ गया सो इन एंड क्या होगा आप इन सबको प्लस करोगे ठीक है वो कितना आ जाएगा देखो टोटल करो उसका माइनस वाली फिगर्स का वन थ्री नाइन थ्री डबल जीरो ये माइनस वाली फिगर्स का टोटल आया है देन पॉजिटिव फिगर्स का कर लो ट्वेंटी सेवन थ्री हंड्रेड प्लस वन सेवन फाइव टू डबल जीरो रुपीज़ टू जीरो टू फाइव डबल ज़ीरो तो यहाँ पे इन दी एंड फिर से क्या करना है हमने इनको माइनस करना है रुपीज सिक्सटी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड सो दिस इज द बैलेंस एज पर पासबुक जो हमें चाहिए था क्लियर हुई है अब ये चीज अभी क्वेश्चन मैं देती हूँ आपको होमवर्क के लिए ठीक है ध्यान से उसको करना पक्का और मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताइएगा गलत होगा तो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू बट प्लीज पक्का मुझे अपने आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए करिए ताकि गलत हो तो मैं आपको करेक्ट कर पाऊँ ठीक है अब मैं क्वेश्चन देती हूँ आपको ध्यान से देखना वैन ये इसको नोट no डाउन कर लें क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज स्टार्टिंग पॉइंट न इंट्रस्ट कलेक्टेड बाय बैंक शुड बी ऑप्शन ए एडेड या फिर ऑप्शन बी सब्ट्रैक्टेड इसका क्या करेक्ट आंसर होगा आप मुझे बताएंगे ये आपके लिए एक टास्क है पक्का मुझे बताना है इसका आंसर आपकी प्रैक्टिस होगी फिर मुझे भी पता लग जाएगा कि आपको कितना समझ आया क्योंकि जैसे कि मैं अभी आपको कह रही हूँ कि ये सेशन मैं इस तरह से आपको करवा रही हूँ कि मैं फर्स्ट टाइम आपको बी पढ़ा रही हूँ सो तो आपको भी अच्छे से पढ़ना है दोबारा से इसको समझ लें जिसको भी डाउट है और इसका आंसर मुझे पक्का बताएं ताकि आपको भी क्लियर हो जाए ठीक है चलिए अब है हमने दो केसेस देख लिए या तो डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक या क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक अब देखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक और हमें पता है अब कि जो हमारे पासबुक का डेबिट बैलेंस होता है वो क्या होता है ओवर ड्राफ्ट ठीक है फ्राम द फॉइंग पर्टिकुलर्स ऑफ आशा एंड कंपनी प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड फोर्टीन अब क्या करना है आपको बी आर एस बनाना है कब है क्लोजिंग डेट थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड फोर्टीन और आपको क्या दिया है स्टार्टिंग पॉइंट ओवर ड्राफ्ट एज पर पासबुक या इसको हम क्या कह सकते हैं डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक ये सब हमने स्टार्टिंग में ही अभी देख लिया कि इनको इस नाम से भी क्यों बुलाते हैं ओके तो यहाँ पर लिख दो स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया है ओवर ड्राफ्ट एज पर पास बुक अब स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है कि क्या दिया है एज पर पासबुक हमें पता लग गया हमने जाना है कैश बुक तक और सब कुछ जो भी बीच में एडजस्टमेंट्स होंगी दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द कैश बुक जैसा कैश बुक में हुआ, हुआ होगा हमने भी वैसा कर देना स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक नेगेटिव में ट्वेंटी थाउजेंड अब देखते जाए वन बाय वन इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट मतलब जो हमारा बैंक में ओवरड्राफ्ट पहले चल रहा था बैंक ने उस पर और हमारा इंटरेस्ट काट लिया सो so, बैंक में क्या हुई वो चीज माइनस होगी आई I मीन mean, पासबुक में माइनस हो गया है वो बट कैश बुक में तो नहीं हुआ ना अभी सो so, यहाँ पे क्या कर देंगे दोबारा ठीक करने के लिए कैश बुक के अकॉर्डिंग सोचना है सो so, वापस प्लस कर दीजिए प्लस इंटरेस्ट ऑन ओवर ड्राफ्ट कितना आ जाएगा टू थाउजेंड फिर से मैं बोल दूं अगर आपको यही चीज स्टेटमेंट में दी होती कि ये बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट है ये एडजस्टमेंट है तो उसको ऐड करेंगे या सब करेंगे फिर मैं कह रही हूँ नेट इफेक्ट देखोगे माइनस प्लस माइनस ही हो रहा है सही में तो दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड ठीक है उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक बैंक से इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट हो गई मतलब बैंक से वो चीज़ माइनस हो गई खुद डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक सो कैश बुक में तो नहीं अभी हुई ना वो एंट्री क्योंकि बैंक ने माइनस कर दिया अभी हमें उसका पता ही नहीं है सो so, यहाँ पे बैंक में माइनस हो गया है बट कैश बुक में नहीं हुआ सो कैश बुक के अकॉर्डिंग जाने के लिए वापस प्लस कर दो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक वो कितना आ जाएगा टू हंड्रेड ओके देन चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अब इतनी बार पढ़ लिया ये तो उसको टिप्स पे हो जाना चाहिए आपको मतलब हमने कैश बुक में माइनस कर लिया बट आगे फर्दर बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए पेमेंट के लिए कैश बुक में तो माइनस कर दिया बुक के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं सो यहाँ पे भी क्या कर दो माइनस कर दो अन प्रेजेंटेड चेक्स यहाँ पे मैं ये थोड़ी बहुत यहाँ पर डिफाइन करके बता रही हूँ आपको पर्टिकुलर्स के लिखने के हैं अदरवाइज आपको एग्ज़ाम में बस ये वाली फिगर्स लिखनी है अमाउंट्स लिखने हैं तो इंडियन बैलेंस निकाल के आ जाना है ओके okay? सो so, यहाँ पर माइनस कर दिया था कैश बुक में भी माइनस हुआ था कैश बुक के अकॉर्डिंग जाना था तो माइनस कर दिया सिक्सटी फाइव हंड्रेड अगेन आई विल से माइनस किया है यहाँ पर बट अगर आपको ये एडजस्टमेंट दी हो स्टार्टिंग पॉइंट बताया हो और यहाँ पर बोलाओ ये वाली एडजस्टमेंट के साथ क्या होगा तो माइनस माइनस प्लस ही हो रहे हैं उस टाइम पर आंसर क्या होगा एडिट ये मैं आपको बोल रही है जब स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन होंगे जब सीधा आपको बैलेंस निकालने को बोलते हैं तब हमें ऐसे ही करना होता है ओके बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ माइंड में बैठ जाए आई अवॉर्ट कि आप सबका रिजल्ट अच्छा ही है अपनी तरफ से मैं इतना पुटिन दे रही हूँ कि आपको हर चीज क्लियर हो सो तो आपको भी मेहनत करनी है अच्छे से मार्क्स लेके आने हैं ठीक है उसके बाद चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर इसका मतलब हमने चेक्स डिपॉजिट करवाई मतलब कैश बुक में प्लस हो गया होगा बट आगे क्लियर नहीं हुए बैंक में वो चीज प्लस नहीं हुई हमने सोचना कैश बुक के अकॉर्डिंग है ना कैश बुक में प्लस हुआ चलो हम भी प्लस कर देंगे प्लस अनकर्ड चेक्स आ जाएगा सिक्स थाउजेंड उसके बाद रोंगली डेबिटेड बाय द बैंक रोंगली डेबिट हो गया बैंक से पहले आपको बतल... अब आपको मीनिंग तो पता है ना बैंक में जो चीज डेबिट हो रही है इसका मतलब बैंक ने माइनस की है वो चीज तो गलती से बैंक में माइनस हो गया है फाइव हंड्रेड का बैंक में माइनस हुआ ना गलती से पर कैश बुक में थोड़ी ना माइनस हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए यहाँ पे प्लस कर दो प्लस रॉन्ग डेबिट वो आ जाएगा फाइव हंड्रेड तो इन दी एंड जब आप नेट अमाउंट निकालेंगे तो आपका कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा रुपीज सेवेंटीन थाउजेंड एट हंड्रेड ये नेगेटिव में आएगा सो दिस विल बी ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर समझ आ गया ओके okay. उसके बाद अब देख लो हमने कर लिया डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस एज पर पास बुक अब हम करेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक ओके तो अपनी तरफ से मैंने जो पॉसिबल सिनेरियोस थे जैसे क्वेश्चंस बनते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है तो किस पे जाना है उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट्स मैंने आपको करवाई हैं और करवा भी रही हूँ सो तो आपको भी अच्छे से समझते जाना है देखो क्वेश्चन क्या है द बैंक पासबुक ऑफ मैसेज बॉस एंड कंपनी शोड अ बैलेंस ऑफ रुपीज फोर्टी फाइव थाउजेंड मैंने आपको कहा ना कुछ नहीं लिखा हो अ बैलेंस ऑफ रुपीज कुछ हमने उसको फेवरेबल ही मानना है मतलब बैंक के अकॉर्डिंग भी वो फेवरेबल है इसका मतलब वो क्या है क्रेडिट बैलेंस हमारी कैश बुक में वो क्या होता है हमारी कैश बुक में डेबिट बैलेंस फेवरेबल कहते हैं और पासबुक में क्रेडिट बैलेंस है फेवरेबल ठीक है पॉजिटिव है ना ओके क्लियर यहाँ तक ठीक है अब यहां पे लिख देंगे हम स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया है हमें क्रेडिट बैलेंस एज पर पास बुक रुपीज फोर्टी फाइव थाउजेंड और ये क्रेडिट बैलेंस है एज पर पासबुक फेवरेबल ही है सो ये पॉजिटिव में ही रहेगा देन टैक्स इशूड बिफोर थर्टी फर्स्ट मे टू थाउजेंड फोर्टीन अमाउंटिंग टू रुपीज ट्वेंटी फाइव नाइन फोर्टी हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर एनकैशमेंट पहले देख लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट एज पर पासबुक है हमने जाना है एज पर कैश बुक सब कुछ कैसे करना है जैसे कैश बुक में हुआ होगा सो so, हमने इशू करे चेक ट्वेंटी फाइव नाइन फोर्टी के बट आगे फर्दर बैंक से उसकी एन नहीं हुई सो so, हमने माइनस कर दिया कैश बुक में जाना भी कैश बुक के अकॉर्डिंग है तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे लेस कर देंगे अन अनप्रेजेंटेड चेक्स आ जाके एडजस्टमेंट्स वही होगी बस आपको स्टार्टिंग पॉइंट का ध्यान रखना है और किसके अकॉर्डिंग और कौन से बैलेंस पे अराइव होना है और एडजस्टमेंट्स किसके अकॉर्डिंग होगी ये चीज आपने माइंड में बिठा ली तो क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा ठीक है अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं ट्वेंटी नाइन फोर्टी तो हम क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं देन टू चेक्स ऑफ रुपीज़ थर्टी नाइन हंड्रेड एंड रुपीज़ ट्वेंटी थ्री फिफ्टी वर डिपॉजिटेड इंटू दी बैंक ऑन थर्टी फर्स्ट मे हमने दो चेक जमा करवाए बैंक में ये रिस्पेक्टिव अमाउंट्स के कब करवाए थर्टी फर्स्ट मे को हमारा साल भी क्लोज़ हो रहा है थर्टी फर्स्ट मे को पर हुआ क्या बैंक ने उसका क्रेडिट करा मतलब बैंक में बाद में प्लस हुई वो चीज़ कब हुई जून फोटीन में अगले महीने हुई सो so, पर हमने करा क्या था हमने तो प्लस कर दिया ना अपनी तरफ से बैंक में इन दोनों अमाउंट्स को बैंक में नहीं हुआ बट हमने सोचना कैसे है कैश बुक के अकॉर्डिंग सोचना सो so, यहाँ पे भी आप प्लस कर दो अन डिपॉजिटेड चेक्स वो आप इसका टोटल करेंगे रुपीज थर्टी नाइन हंड्रेड प्लस टू थ्री फाइव वो आ जाएगा रुपीज ओके okay? उसके बाद देयर वॉज अ देर वॉज ऑलसो अ डेबिट इन दी पासबुक ऑफ रुपीज ट्वेंटी फाइव हंड्रेड पासबुक में डेबिट हुआ है ट्वेंटी फाइव हंड्रेड का मतलब पासबुक में डेबिट होना पासबुक में डेबिट होने का मतलब होता है कि माइनस हुआ होगा सो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड का पासबुक में माइनस हुआ है कोई चेक डिस ऑनर हो गया था पर हमें नहीं ना पता हमने कैशबुक में उसको माइनस नहीं करा हमारे लिए तो वो चीज ऑनर हो चुकी है सो so, पासबुक में माइनस हुई है पर कैशबुक में नहीं हुई और हमें सोचना भी कैशबुक के अकॉर्डिंग है तो यहाँ पर हम दोबारा ठीक करने के लिए प्लस कर देंगे डिसऑनर्ड चेक कितना आ जाएगा वो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड तो आगे उन्होंने ये बोला कि बी आर एस बनाइए तो यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस निकालिए फोर्टी फाइव थाउजेंड में से माइनस करिए इसको देन इन दोनों को प्लस कर दीजिए वो आएगा हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक रुपीज ट्वेंटी सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड टेन तो ये चार केसेस है पॉसिबल जो आ सकते हैं आपको स्टार्टिंग पॉइंट जो दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आप एंड पॉइंट देखिए कहाँ पे जाना है देन उसी के अकॉर्डिंग सोच के आंसर निकाल दीजिए देखो कितना ईजी था क्लियर तो ये क्वेश्चंस हो गए उसके बाद अब आता है हमारा कॉन्सेप्ट ओवर कास्ट एंड ठीक है ये हमने वैसे पहले समझ रखा है रिवाइज कर लेते हैं एक मिनट रुकना ये है हमारा ओवर कास्ट और अंडर कास्ट का कॉन्सेप्ट वन बाय वन इसको देख लेते हैं क्या हो सकता है अब मैंने आपको बता दिया ओवर कास्टिंग या तो रिसीट साइड की होगी या तो पेमेंट साइड की वैसे अंडर कास्टिंग भी या तो रिसीट साइड की होती है पेमेंट साइड की होती है और ये हमेशा किस में होती है कैश बुक में ही होती है देखो यहाँ पे मैं आपको पहले बताती हूँ कि होगा कैसे ये पढ़ रखा है दोबारा चलो रिवीजन करते हैं कैश बुक हम कैसे बनाते हैं और बात किसकी करनी है अब हमने सिर्फ बैंक के कॉलम की ये हमें पता है सो so, ये हमें पता है कि कैश बुक की डेबिट साइड पे क्या आती हैं रिसीट्स आती हैं रीजन आप सबको पता है क्यों और क्रेडिट साइड पे पेमेंट्स आती हैं और एक ही कॉलम बना रही हो हमें पता है वो बैंक का ही क्योंकि बी में बैंक कॉलम की ही बात होगी तो बैंक को ही लेके चलेंगे सिर्फ अब क्या होता है देखो अब आपको हो सकता है कि कई बार आपकी कैश बुक की रिसीट साइड ज्यादा आ जाए पहले को अच्छे से समझ लेना कुछ सोचिए रिसीट साइड ज्यादा है पेमेंट साइड कम है रिसीट ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ होगा हमारी कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो हो रहा होगा ऑब्वियसली देखो ना हमारे पास जो पैसे आने हैं वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पेमेंट साइड तो हमारा जो बैलेंस भी होगा वो ज़्यादा दिख रहा होगा सो so, जब आपकी ये चीज़ माइंड में बिठाई मैंने आपको बोला ना पहले आपने देखना है रिजल्ट उसका इफेक्ट पड़ा क्या होगा यहाँ पे क्या हुआ होगा जब हमारी रिसीट साइड ओवरकास्ट हो गई ज़्यादा शो हो गई होंगी उस वजह से हमारी कैश बुक का बैलेंस भी ज़्यादा दिख रहा होता है क्लियर वन थिंग जब हमारा लिखा होगा हमारी रिसीट साइड अंडरकास्ट हो गई हमारी जो आने वाली चीजें थी वो अंडर कास्ट है कम शो हो रही है तो ऑब्वियसली हमारी कैश बुक का बैलेंस भी कम हो रहा होगा यहां तक क्लियर ये मैंने बात की ऑफ ऑफ रिसीट्स रिसीट्स और अब क्या हो सकता है कई बार हमारी पेमेंट साइड जो होगी वो ओवर कास्ट हो जाएगी जब हमारी पेमेंट्स ज्यादा दिख रही होंगी पेमेंट ज्यादा दिखने से क्या होगा हमारा बैलेंस जो होगा कैश बुक का कम दिख रहा होगा ज्यादा खर्चा बता रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारी बैलेंस जो होगी वो भी कम ही दिख रहा होगा देन क्या हो सकता है पेमेंट साइड अंडरकास्ट होगी जो हमारी पेमेंट्स वाली साइड है वो कम शो हो रही है पेमेंट्स कम दिखाने की वजह से हमारी कैश बुक का बैलेंस क्या होगा बढ़ेगा सो so, ये चार केसेस बताए क्या इफेक्ट होगा पहले आप इस चीज को माइंड में बिठा ले फिर उसके अकॉर्डिंग ओवरकास्ट और अंडरकास्ट के क्वेश्चन को करेंगे बहुत ईजी हो जाएगा देखो वन बाय वन देखो यहाँ पे एक मिनट डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक अब इतना तो हमें पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट या तो चार चीजें हो सकती हैं स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक या तो ये केस होगा या तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक या क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर डेबिट बैलेंस एज पर पास बुक वन बाय वन देखते जाओ जब हमारी मैंने ये भी बता दिया आपको कि अंडर कास्ट और ओवर कास्ट सिर्फ और सिर्फ कैश बुक में होता है जब हमारी कैश बुक की रिसीट साइड ओवर कास्ट हुई है तो मैंने आपको क्या भी समझाया अभी जब हमारी कैश बुक की रिसीट साइड ज़्यादा होती है इसका मतलब हमारा कैश बुक का बैलेंस भी ज्यादा दिख रहा होगा सो कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा दिख रहा होगा याद रखें इसको क्या होगा अब स्टार्टिंग पॉइंट हमें दिया है एज पर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट को भी कंसिडर करना है और जो इफेक्ट हो रहा है उसको भी कंसिडर करना है और ये भी देखना है कि किसके बैलेंस पे जाना है हमने जाना है पासबुक कैश कैशबुक में रिसीट साइड ओवरकास्ट हुई है हमारा बैलेंस ज़्यादा शो हो रहा होगा पर हमने जाना पासबुक के अकॉर्डिंग है पासबुक में तो नहीं ना ज़्यादा शो हो रहा सो so, उसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे क्लियर यू वाला पॉइंट ओके okay. उसके बाद क्या है रिसीट साइड अंडर कास्ट हुई अभी मैंने बताया जब हमारी रिसीट साइड अंडर कास्ट हो जाएंगी तो क्या होगा हमारी कैश बुक का बैलेंस भी कम दिख रहा होगा मैंने भी क्लियर की ये चीज कैसे होगा ठीक है तो रिसीट साइड अंडर कास्ट होने की वजह से हमारी बैलेंस भी कम दिख रहा होगा हमारी कैश बुक में वो चीज कम दिख रही है माइनस एक तरह से बोल सकते हैं कम हो गई है बट पासबुक में तो नहीं ना वैसा हुआ पासबुक में जो सही में चीज थी वही हुई होगी सो कैश बुक में तो गलत है वो चीज़ कम दिख रही है बट हमने जाना पासबुक के अकॉर्डिंग है क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो उसको वापस पासबुक तक पहुंचाने के लिए हम क्या करेंगे करेक्शन के लिए प्लस कर देंगे ये दोनों क्लियर ओके okay. उसके बाद जब हमारी कैश बुक की पेमेंट साइड ओवरकास्ट होगी कैश बुक की पेमेंट साइड ओवरकास्ट हुई कैश बुक दिस इज द पेमेंट साइड कैश बुक में पेमेंट साइट ज़्यादा शो हो रही है उसकी वजह से क्या होगा हमारा बैलेंस कम दिख रहा होगा ऑब्वियसली मैंने बताया ना आपको पेमेंट्स ज़्यादा दिखा रहे हो उस वजह से हमारी कैश बुक में बैलेंस कम ही दिखेगा तो कैश बुक में बैलेंस कम दिख रहा है और हमने सोचना किसके अकॉर्डिंग है पासबुक के अकॉर्डिंग क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक दिया है अब पासबुक तक जाने के लिए अब हमारी कैश बुक का बैलेंस कम दिख रहा है बट पासबुक में तो बट पासबुक में बैलेंस कम तो नहीं ना दिख रहा होगा उस चीज को करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे प्लस करेंगे यहाँ तक क्लियर उसके बाद जब हमारी पेमेंट साइट अंडर कास्ट हुई है हमने अपनी पेमेंट्स को कम बताया है पेमेंट्स कम बताने की वजह से हमारा बैलेंस ज्यादा दिख रहा होगा यहाँ पे बैलेंस हमारा ज्यादा दिख रहा है ड्यू टू तो अंडर कास्टिंग ऑफ पेमेंट साइट पर हमारी पासबुक में तो उन्हें ना कम दिख रहा होगा सो कैश बुक का स्टार्टिंग पॉइंट है पासबुक पे जाना है यहाँ पे क्या करेंगे माइनस कर देंगे ऐसे हमारा ज्यादा बैलेंस दिख रहा था बट पासबुक में ज्यादा नहीं दिख रहा होगा सो बार बार यही चीज बोल रही हूँ आपको स्टार्टिंग पॉइंट देखना है ये अलग केस है स्टार्टिंग पॉइंट देखना है इफेक्ट देखना है

कैश बुक तो सब कुछ वैसे ही सोचेंगे जैसे कैश बुक में हुआ होगा ये मैं आपको बस सिखा रही हूँ कि प्लस माइनस ये जो मैंने इतना लिखा है कि कैसे आया लॉजिक के साथ समझा रही हूँ अदरवाइज मैंने यहाँ ऐसे समरी की फॉर्म में बना दिया है रट्टा लगाना तो वैसे लगाओ बट आई ऑलवेज से गो विद कॉन्सेप्ट वो ज्यादा देर तक रिटेन रहता है ओके okay? तो क्या होगा अब यहाँ पे हमारी रिसीट साइड ओवरकास्ट हुई है मैंने फिर से बोलना है आपको कैश बुक की ही बात होगी बैलेंसेस चेंज हो सकते हैं स्टार्टिंग वाले बट ओवरकास्टिंग एंड अंडरकास्टिंग जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ कैश बुक में ही हो रही होगी कैश बुक की रिसीट साइड ओवरकास्ट हुई अभी हमने देखा कैश बुक की रिसीट साइड ओवरकास्ट होने से क्या होता है हमारी कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा दिख रहा होता है कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा दिख रहा है देखो अब यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया है पासबुक का 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 है 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 हमने हमने देखी उससे effect पता लगा कि हमारी ज़्यादा ज़्यादा और हमने जाना किसके के ही में बैलेंस दिख रहा है तो पासबुक में भी ज्यादा कर दो मतलब प्लस कर दो क्लियर यहाँ पे सब उल्टा हो रहा है ड्यू टू चेंज इन दी स्टार्टिंग पॉइंट अगला देखो पासबुक में क्या हुआ कैश बुक में क्या हुआ रिसीट साइड अंडर कास्ट गई रिसीट्स अंडर कास्ट होने की वजह से हमारी कैश बुक का बैलेंस भी कम दिख रहा होगा उससे क्या होगा कैश बुक का बैलेंस कम दिख रहा है और हमें जाना भी किस पे है कैश बुक तक ही जाना है सो कैश बुक का बैलेंस कम है पासबुक में भी माइनस कर दो क्लियर यहाँ तक उसके बाद चलिए फिर हमारी पेमेंट साइड कैश बुक की ओवरकास्ट हुई है कैश बुक में पेमेंट ज्यादा बता रहे हैं इसका मतलब हमारी कैश बुक का बैलेंस कम दिख रहा होगा फिर से वही बात सो कैश बुक का बैलेंस कम है कैश बुक तक जाना है तो यहाँ पे भी क्या कर दो माइनस कर दो आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा अदरवाइज कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे उसी टाइम पूछिए ताकि आपको मैं क्लियर कर पाऊँ अदरवाइज ऐसे रट्टा लगाने से फायदा नहीं है चीजों को कॉन्सेप्ट के साथ जाओ बस देन पेमेंट साइड कैश बुक की अंडरकास्ट हुई पेमेंट्स को हमने कम बताया कैश बुक में पेमेंट्स को कम बता रहे हैं पेमेंट्स कम बताने की वजह से हमारा कैश बुक का बैलेंस क्या हो रहा होगा ज्यादा शो हो रहा होगा हमने जाना भी किसके अकॉर्डिंग है कैश बुक के अकॉर्डिंग सो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो हो रहा है हम भी क्या करेंगे पासबुक में वो चीज प्लस कर देंगे क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है ठीक है ये दो केस क्लियर हो गए कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक होगा तो क्या होगा और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक होगा तो क्या होगा अब बात आती है जब हमारा होगा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक ये मैंने क्रॉस यहाँ पे क्यों डाला है क्योंकि इसका सारा जो ट्रीटमेंट होगा ये ये सेम होगा ये वाला और ये जो है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का ट्रीटमेंट सारा सेम होगा यहाँ पे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक में ठीक है इसको भी मैं आपको एक बार समझा देती हूँ देखो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक पहले तो अब आपको पता है ये क्या है अनफेवरेबल और हमें पता है ये माइनस में हुआ होगा मैंने आपको चीज़ बोला ना कि इस चीज़ पे आपने ध्यान देना है स्टार्टिंग पॉइंट क्या है माइनस में है तो दोनों जगह पे हमने नेट इफेक्ट ही देखना है वहाँ पे तो स्टार्टिंग पॉइंट था ही प्लस इसीलिए नेट इफेक्ट तो वही आना था जो सच में हम नीचे प्लस माइनस कर रहे थे स्टार्टिंग पॉइंट से जो हम माइनस प्लस कर रहे थे सच में वही आना था क्योंकि बैलेंस ही हमारा पॉजिटिव था बट यहाँ पे अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट नेगेटिव है तो जो भी हमने प्लस माइनस करना है उसका नेट इफेक्ट देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का साइन है उसमें चेंज हो जाता है ठीक है तो पहला केस यहाँ पे भी क्या होगा हमारी रिसीट साइड ओवरकास्ट हुई होगी ये कर रही हूँ मैं फर्स्ट केस देन सेकंड केस उसके बाद थर्ड केस देन दिस इज फोर्थ केस ओके फर्स्ट केस में क्या हुआ रिसीट साइड ओवरकास्ट हुई है रिसीट साइड ओवरकास्ट होने की वजह से हमें पता है कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा दिख रहा होगा कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा दिख रहा है बट स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कैश बुक का ही है ठीक है और जाना अब हमें पता है पासबुक के अकॉर्डिंग है पासबुक में तो नहीं ना वो ज़्यादा बैलेंस शो हो रहा सो so, पासबुक के साथ मैच करने के लिए हमने माइनस ही करना था देखो माइनस करना था पर ध्यान देना है माइनस करना था हुआ क्या मैंने आपको बोला नेगेटिव में बैलेंस होता है ना क्रेडिट बैलेंस सो स्टार्टिंग पॉइंट माइनस होगा ना तो माइनस माइनस इन दी एंड प्लस ही हो रहे होंगे इसीलिए हम यहाँ पे प्लस करेंगे ये जो क्रॉस डाला था ना मैंने यहाँ पे ये फिगर्स वही हैं ये वाली ठीक है तो मैं इसीलिए ये वाला रिलेट कर रही हूँ इसके साथ प्लस हुआ होगा वैसे ही बाकी सब भी हो जाएगा इसको आप खुद एक बार ट्राई कीजिए कि क्यों प्लस हो रहा है क्यों माइनस हो रहा है मुझसे पूछना अदरवाइज़ मैंने आपको बता दिया कि यही पूरा जो बॉक्स यहाँ पे बना है ना डेबिट बैलेंस एज़ पर कैश बुक का वही है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक का और जो यहाँ पे बना है ये बॉक्स पूरा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक के लिए ये पूरा किसके लिए है यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक के लिए क्लियर अब इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं क्योंकि अब दोबारा मैं यही समझाने लगूंगी आपको प्लस माइनस क्यों इन दी एंड में आपको क्या बोला ये भी याद रखना है कि, कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है नेगेटिव वाला है स्टार्टिंग पॉइंट मतलब ओवर ड्राफ्ट है तो हमने नेट इफेक्ट देख के आंसर करना है कि प्लस करेंगे या माइनस करेंगे एडिड और सब्ट्रेक्टेड ओके क्लियर है तक ठीक है अब इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक इज अंडर कास्ट बाई रुपीज टू हंड्रेड हुआ क्या यहीं से मैं आपको कंपेयर करवाऊंगी हमारी कैश बुक की पेमेंट साइड पेमेंट साइड कैश बुक की अंडर कास्ट हुई है टू हंड्रेड से और व्हेन दी ओवर ड्राफ्ट एज पर पास बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट आपको स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया है ओवर ड्राफ्ट एज पर पासबुक यहाँ पे लिखते हैं ओवर ड्राफ्ट एज पर पास बुक कितना है कुछ नहीं है सपोज कर लेते हैं हम थाउजेंड रुपीज है और हमें पता है ओवर ड्राफ्ट नेगेटिव में ही होगा ये मत पूछना थाउजेंड कहाँ से है आई एम जस्ट अज्यूमिंग इट ओके अब क्या हुआ कैश बुक की पेमेंट साइड अंडर कास्ट हुई है तो मैंने आपको बोला आपने पहले देखना उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ होगा दिस इज द कैश बुक कैश बुक में जो आपकी पेमेंट साइड है वो कम शो हो रही है पेमेंट कम दिखाने से हमारी कैश बुक का बैलेंस ज्यादा दिख रहा होगा ठीक है स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है जाना कहाँ तक है हमने कैश बुक तक और जिसको निकालना है हमने जो उनसे बैलेंस को निकालना है उसी के अकॉर्डिंग सोचना है सब कुछ कैश बुक के अकॉर्डिंग सोचना है सो so, हुआ क्या कॉन्सिक्वेंस क्या था कि पेमेंट्स कम दिखाने से हमारी कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो हो रहा होगा मतलब टू हंड्रेड से जो हम पेमेंट्स कम दिखा रहे हैं इसका क्या मतलब टू हंड्रेड से ही कैश बुक का बैलेंस ज्यादा दिख रहा होगा और कैश बुक में ही हमने जाना है कैश बुक तक जाना है कैश बुक में वो चीज ज्यादा दिख रही है तो यहाँ पे भी हम प्लस में क्या लिखेंगे कि जो अंडर कास्ट हो गई है पेमेंट साइड अंडर कास्ट प्लस करेंगे टू हंड्रेड यहाँ तो प्लस लिखा फिर अब क्वेश्चन कैसा है मैंने आपको बोला था स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन होगा आपने नेट इफेक्ट देखना है सो so, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है माइनस प्लस इन दी एंड ये चीज जो है टू हंड्रेड वाली इसमें से माइनस हो रही है सो so, यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए रुपीज टू हंड्रेड विल बी डिडक्टेड अब मैं देखो आपको कंपेयर करवाती हूँ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडर स्टार्टिंग पॉइंट है का देखो स्टार्टिंग पॉइंट है और स्टार्टिंग पॉइंट है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है इसको हम बोल सकते हैं डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक सो ये वाला केस हुआ डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक है पेमेंट साइड जो है अंडर कास्ट हुई है देखो और मैंने बताया कि इसका ये वाला आंसर होगा ये वाला बॉक्स जो होगा सो so, यहाँ पे क्या हुआ पेमेंट साइड अंडर कास्ट हुई है कैश बुक की स्टार्टिंग पॉइंट हमारा एज पर पासबुक है तो हमने क्या करा है माइनस ही करा है सो so, यहाँ पे भी आंसर क्या है रुपीज टू हंड्रेड विल बी डिडक्टेड अब क्लियर हुआ क्योंकि मैंने अपनी तरफ से फिर से इतना बेस्ट पॉसिबल ट्राई करा है ना कि आपको चीज़ समझ आ जाए बस अब अपनी तरफ से भी जितना हो सके ना आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए अब ठीक है सो so, यहाँ पे आंसर था हमारा ऑप्शन ए चलिए अब आके देखते हैं ये देखो यहाँ पे भी मैंने अगेन वही रिलेट ही करवाना था कि ये ऑपोजिट साइड चला जाएगा पेमेंट साइड जो है हमारी कैश बुक की अंडर कास्ट हो रही है तो माइनस ही करना था चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज वेन ओवर ड्राफ्ट एज पर पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट अब हमें दिया है स्टार्टिंग पॉइंट क्या ओवर ड्राफ्ट एज पर पासबुक यहाँ पे लिख लो ओवर ड्राफ्ट एज पर पास बुक कुछ भी दिया होगा और उन्होंने कहा है कि बैंक चार्जेस जो है रुपीज हंड्रेड के रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक हमारी कैश बुक में गलती से हमने बैंक चार्जेस को दो बार माइनस कर दिया मतलब एक बार माइनस जो करना था हंड्रेड वो एक और बार कर दिया मतलब ट्वाइस इसका क्या मतलब वो एक बार तो ठीक से करना ही था माइनस एक बार गलती से और एक्स्ट्रा कर दिया है सो उसको ठीक करना है और स्टार्टिंग पॉइंट हमें किसके अकॉर्डिंग दिया है पासबुक पर हमने जाना किसके अकॉर्डिंग है कैश बुक के अकॉर्डिंग कैश बुक में हमने दो बार माइनस कर दिया है वी हैव टू थिंक अकॉर्डिंग टू द कैश बुक कैश बुक में माइनस कर दिया है यहाँ पे भी हमने माइनस कर देना है और हंड्रेड रुपीज ठीक है ओवरड्राफ्ट भी क्या होगा एज पर पासबुक नेगेटिव में ही होगा सो so, फिर से नेट इफेक्ट देखेंगे माइनस माइनस प्लस सो यहाँ पे आंसर होगा एडेड बाई रुपीज हंड्रेड क्लियर है ठीक है वैसे और भी कई वेज हैं इन क्वेश्चंस को निकालने की बट मैं चाहती हूँ कि एक ही अप्रोच के साथ चलें अदरवाइज आपको बहुत मिक्सअप हो जाएगा ओके okay, चलिए आगे देखते हैं अब ये कुछ क्वेश्चन हैं आपके लिए होमवर्क एक तो मैंने अभी आपको खुद लिखवाया है कि उसका आंसर मुझे बताएंगे देन एक ये वाला क्वेश्चन है पक्का सॉल्व करना आपकी प्रैक्टिस होगी आप ही का फ़ायदा है ठीक है और एक ये वाला क्वेश्चन देखिए घबराना नहीं बहुत इजी है बस टर्म ऐसे स्टेटमेंट्स कुछ ज़्यादा ऐसे इलेबोरेट करके लिखे लिखी है अदरवाइज बहुत ही ईजी क्वेश्चन है जो ऑलरेडी पढ़ ली ना एंट्रीज वैसे ही हैं ठीक है ठीके? अब एक क्वेश्चन ये वाला मैं आपको करवाती हूँ इंपॉर्टेंट भी है एंट्रीज थोड़ी बीच में डिफरेंट भी है ध्यान से देखना

ये फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाए प्लस माइनस सो जो प्लस करते जाएंगे यहाँ लिखते जाएंगे माइनस करेंगे वो यहाँ लिखते जाएंगे अब क्या हुआ पहले चेक पता है हमें कि एज पर कैश बुक दिया है इन दी एंड हमने कैसे जाना है एज पर पासबुक पासबुक का बैलेंस निकालना है तो सब कुछ पासबुक के अकॉर्डिंग ही सोचना है हुआ क्या थाउजेंड के चेक डिपॉजिट करवाए पर उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा अब आप सोचेंगे कि हमने ही जमा करवाए हमने ही नहीं कैश बुक में रिकॉर्ड करा इट माइट भी पॉसिबल हम उसको रिकॉर्ड करना भूल गए कुछ भी हो सकता है एडजस्टमेंट दिया बस चुप करके कर दो हमने डिपॉजिट करवाए मतलब अब मान के क्या चलेंगे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है पर वो पासबुक में हो चुका होगा सो so, पासबुक में वो डिपॉजिट प्लस हो गए हमारी कैश बुक में नहीं हुए और हमने सोचना भी पासबुक के अकॉर्डिंग है सो so, थाउजेंड रुपीज़ हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लस कर देंगे चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड ये हो गए ए और बी ये हमारा हो गया देन अ चेक डिपॉजिट ऑफ रुपीज टू हंड्रेड वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम देयर इन हमने कैश डिपॉजिट करवाया ठीक है बैंक में करवाया टू हंड्रेड का डिपॉजिट और उसको अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं इस तरह से रिकॉर्ड किया कि जैसे मान लो हमारा बैंक कॉलम है ही नहीं है अगर बैंक कॉलम में नहीं किया तो हमने कैश डिपॉजिट को कहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया होगा कैश के कॉलम में कर दिया होगा तो अब हमने कैश के कॉलम को ठीक नहीं करना है क्योंकि बी में हम सिर्फ और सिर्फ कैश बुक के बैंक कॉलम को देखते हैं और पासबुक को देखते हैं तो बाद में हम कैश कॉलम को ठीक करते रहेंगे हमने भी अभी हमारा मतलब है बैंक कॉलम से तो बैंक कॉलम में क्या हुआ कुछ भी नहीं हुआ हमने बैंक कॉलम में ऐड करा ही नहीं था सो so, यहाँ पे करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे बैंक में वो चीज़ प्लस हो गई होगी ना 200 की तो यहाँ पे भी प्लस कर देंगे 200 हंड्रेड चैक्स डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम क्योंकि हमने पासबुक के अकॉर्डिंग ही सोचना है यहाँ पे ठीक है सी पॉइंट भी हो गया देन अ चेक इशूड फॉर रुपीज टू फिफ्टी वॉज रिकॉर्डेड एज टू हंड्रेड फाइव इन द कैश कॉलम टू फिफ्टी का चेक जो था उसको हमने टू हंड्रेड फाइव का रिकॉर्ड कर दिया चेक इशू करा है अपनी तरफ से माइनस कराए पर एक चीज का ध्यान देना है जल्दी से इसकी आप एडजस्टमेंट कराएंगे कि बस अमाउंट्स का डिफरेंस है तो उसको सेट ऑफ तो उसको एडजस्ट कर दो पर ध्यान देना है यहाँ पे कैश कॉलम लिखा है इसका क्या मतलब हुआ बैंक कॉलम में उसकी एंट्री हुई नहीं है पर हमने एडजस्टमेंट भी किसकी करनी होती है बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक और पासबुक के लिए ठीक है तो कैश कॉलम में एडजस्टमेंट कर दी बैंक में अभी एडजस्टमेंट हुई नहीं पूरी टू फिफ्टी की नहीं हुई होगी हम तो यही मानेंगे ना चाहे कैश कॉलम में हमने गलत रिकॉर्ड कर दिया कैश कॉलम को बाद में देखेंगे बैंक कॉलम में पूरा का पूरा जो टू फिफ्टी इशू किया था वो हमने रिकॉर्ड करा ही नहीं बैंक में तो इशू हो गया माइनस हो गया होगा वहां से तो यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस टू फिफ्टी चेक्स इशूड बट नॉट Entered, क्योंकि हम के 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 सोच रहे रहे हैं हैं फिर से बता रही जा रहे हैं, तो सब कुछ book according ही सोचना। है। point भी हो गया स ऑफ रुपीज फिफ्टीन हंड्रेड एज ऑन द प्रीवियस डे वॉज ब्रॉड फॉरवर्ड एज अ क्रेडिट बैलेंस क्या है देखो बैलेंस की बात की है ये हमारी कैश बुक होती है अब क्या होता है आपको पता है आपका डेबिट बैलेंस कहाँ पे आता है यहाँ पे क्रेडिट साइड पे क्यों क्योंकि जब हमारी डेबिट साइड ग्रेटर देन क्रेडिट साइड हुई होगी तो छोटी साइड क्रेडिट साइड है तो छोटी साइड पे ही हम डिफरेंस को नोट डाउन करते हैं तो जब नेक्स्ट ईयर मैंने आपको बोला ना जैसे हम ट्रेडिंग पी बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट बना और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना तो जो ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट होता था फर्दर उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए हम क्या करते थे ऑपोजिट साइड पे लिखते थे सिमिलरली जब हमारा कैश बुक में यहाँ पे डेबिट बैलेंस आया है नेक्स्ट ईयर इसको हमने कैरी फॉरवर्ड करना है कैश बुक में ही करना होता है पर उसको अब कहाँ करेंगे ऑपोजिट साइड पर मतलब जो हमने चीज़ क्रेडिट साइड पर लिखी थी अब यहाँ पर डेबिट साइड पर लिखनी चाहिए थी पर हमने क्या करा इस क्रेडिट वाली चीज़ को क्रेडिट साइड ही लिख दिया गलत हो गया ना हमसे तो उससे हुआ क्या होगा हमारी कैश बुक की क्रेडिट साइड बढ़ गई होगी और क्रेडिट साइड हमारी क्या होती है पेमेंट साइड पेमेंट्स हमने ज़्यादा बता दी उस वजह से हमारी कैश बुक का बैलेंस अब कम दिखेगा ज़्यादा पेमेंट्स बताने की वजह से कैश बुक का बैलेंस कम दिखेगा बट पासबुक में ऐसा नहीं हुआ है कि हमारी कैश बुक का बैलेंस कम दिखे गलती क्या हुई हमसे अब ध्यान से देखना इसको करेक्ट कैसे करेंगे फिर जब हम रिकनसाइल करेंगे जो मान लीजिए अब यहाँ पर ही आपको वैसे फिफ्टीन का बैलेंस था ये फिफ्टीन का डेबिट बैलेंस यहाँ पर लेके जाने के बजाय नेक्स्ट ईयर में जो हमने यहाँ डेबिट साइड लेके जाना था उसको हमने यहाँ क्रेडिट साइड ले लिया सो so करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे एक तो पहली गलती क्या हुई है हमने यहाँ पे लिख दिया ये गलत हुआ दूसरी गलती हुई यहाँ पे हमने लिखा ही नहीं है उससे क्या होगा ठीक करने के लिए एक तो जो यहाँ पे लिख दिया मतलब जो यहाँ पे क्रेडिट साइड लिख दिया उस क्रेडिट को हटाने के लिए डेबिट करेंगे वो चीज़ प्लस करेंगे अपने लिए हमारे लिए डेबिट करना क्या होता है प्लस करना होता है एक ये प्लस करेंगे फिफ्टीन हंड्रेड फिर जो हमने लिखा ही नहीं था फिफ्टीन हंड्रेड उसको भी यहाँ पे प्लस करेंगे ताकि ठीक हो जाए सो इन दी एंड नेट रिजल्ट क्या होगा हमारा कि थ्री थाउजेंड हम प्लस करेंगे अपनी कैश बुक में सो so, यहाँ पे एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड रुपीज़ थ्री थाउजेंड क्लियर हो गया ओके okay. नहीं हुआ है तो थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड कीजिए और अगर आपको लगता है कि मैं ज़्यादा फास्ट हो रही हूँ तो प्लीज़ आप स्पीड को थोड़ा कम कर लेना ठीक है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा ये वाला तो हो गया हूं पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडरकास्ट बाय हंड्रेड अभी हमने ओवरकास्ट अंडरकास्ट वाला देखा अब क्या बताया जो हमारी कैश बुक की पेमेंट साइड है पेमेंट साइड कम बताने से क्या होता है हमारी कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाता है पेमेंट्स का बता रहे हैं पेमेंट्स कब हम बता रहे हैं तो ऑब्वियसली कैश बुक का बैलेंस ज्यादा दिख रहा होगा तो अंडर कास्ट हुई है कैश बुक हमारी ठीक है और हम हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है एज पर कैश बुक है हमने जाना पासबुक के अकॉर्डिंग है और रिजल्ट हमने देख लिया कि हमारी कैश बुक का बैलेंस ज्यादा दिख रहा होगा पासबुक में तो नहीं ना ज्यादा दिख रहा सो so, यहाँ पे क्या करेंगे हम माइनस करेंगे ठीक है यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो यहाँ पे हंड्रेड का है सो so यहाँ पे क्या अंडर कास्टिंग ऑफ पेमेंट साइड माइनस वाली साइड पे लिखा ड्रेड और यही अगर चीज़ यहाँ पे तो आपका फेवरेबल बैलेंस है ना पॉजिटिव है तो चुप करके माइनस हमने कर देना इसमें से अदरवाइज अगर आपका अनफेवरेबल बैलेंस होता है नेगेटिव में होता और आपको पूछते कि वो एड करना चाहिए या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए तब हमारा क्या होता है यहाँ पे माइनस होता है ना सो माइनस माइनस प्लस ही होता दैट शुड बी एडेड बट यहाँ पे हमारा सब्ट्रैक्ट ही हो रहा है नेट इफेक्ट में ओके okay? बार बार रिपीट करने से चीज़ें माइंड में रिटेन हो जाती हैं दैट्स वाई आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन ओके ठीक है हमारा एफ पॉइंट भी हो गया देन ए कैश डिस्काउंट अलाउड ऑफ रुपीज़ हंड्रेड ट्वेल्व वॉज रिकॉर्डेड एज रुपीज वन ट्वेंटी वन इन दी बैंक कॉलम क्या हुआ हमने कैश डिस्काउंट अलाउ करा हंड्रेड ट्वेल्व का उसको हमने रिकॉर्ड कर दिया कैसे एज रुपीज वन ट्वेंटी वन हमारे बैंक कॉलम में मतलब बैंक कॉलम में हमने वन ट्वेंटी वन को रिकॉर्ड करा है डिस्काउंट अलाउड को ध्यान से देखो और कौन सा डिस्काउंट है इस चीज़ का ध्यान देना है गलती नहीं करनी है कैश डिस्काउंट वो तो गलत हो गया कैश डिस्काउंट को हमने अलाउ किया तो वो डिस्काउंट वाले कॉलम में जाना चाहिए था बैंक कॉलम में उसका क्या काम सो so, जो हमने वन ट्वेंटी वन गलती से बैंक कॉलम में अलाउ कर दिया बैंक कॉलम में अलाउ कर दिया डिस्काउंट अलाउड हमें पता है कहाँ पे जाता है कैश कॉलम की डेबिट साइड पे ये हमें पता है ना सो so, हमने क्या कर दिया होगा बैंक कॉलम की डेबिट साइड पे लिख दिया होगा बैंक कॉलम की डेबिट साइड से लिखने का मतलब वहाँ पे प्लस ही हुआ है ना प्लस डेबिट वाली साइड प्लस होती है सो so, प्लस कर दिया हमने 121 बैंक कॉलम है वो गलत हो गया तो so, पासबुक में तो वैसा नहीं हुआ ना यहाँ पे करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे कैश डिस्काउंट रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम क्लियर है यहाँ तक ओके देन अ चेक ऑफ रुपीज फाइव हंड्रेड रिसीव फ्रॉम अ डेटर वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नो डिपॉजिटेड बट नॉट डिपॉजिटेड इन देंक फॉर कलेक्शन फाइव हंड्रेड का चेक हमने अपने डेटर से रिसीव कर दिया हमने मान लिया हमारे पास पैसे आ गए हैं उसको हमने कैशबुक में रिकॉर्ड कर दिया बट फर्दर अभी बैंक में उसको भेजा ही नहीं चेक को डिपॉजिट करवाया ही नहीं हमने प्लस कर दिया बट बैंक में तो प्लस नहीं हुआ होगा हमने सब कुछ पासबुक के अकॉर्डिंग ही सोचना है सो so, पासबुक में प्लस नहीं हुआ अभी वो चीज़ हमने प्लस कर दी पासबुक तक वापस जाने के लिए हम क्या करेंगे फाइव को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर चेक रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिटेड फाइव को लेस करा ये भी हो गया देन ऑन वन आउट गोइंग चेक ऑफ रुपीज थ्री हंड्रेड वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन दी कैश बुक आउट गोइंग चेक मतलब हमने कुछ माइनस करना था जो मतलब आउट गोइंग जा रहा है हमारे हाथों से चेक तो उस चेक को हमने क्या करा दो बार कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया उस वजह से क्या होगा हमने सिक्स हंड्रेड से माइनस कर दिया होगा सच में सिर्फ थ्री हंड्रेड से होना चाहिए था तो जो एक्स्ट्रा माइनस थ्री हंड्रेड हुआ है कैश बुक में पासबुक तक जाने के लिए दोबारा उस माइनस थ्री हंड्रेड को ठीक करने के लिए क्या कर दोगे प्लस कर दोगे उसका क्योंकि हमने रिकॉर्ड ही नहीं करना था सो so, जब आप ये सारी प्लस वाली आइटम्स का टोटल करेंगे उसमें से माइनस करेंगे नेगेटिव आइटम्स का टोटल वो आपका क्या आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक तो उसको सॉल्व कीजिए तो आंसर आपका इन दी एंड आएगा रुपीज थर्टीन फाइव ट्वेंटी नाइन क्लियर है मैं आप सबको यही रिकमेंड करूंगी ये सारे क्वेश्चन करने के बाद पक्का जो भी आपको मैंने एमसीक्यूज करवाए हैं टॉपिक्स पे उनको अटेंड कीजिए दोबारा से अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी कॉन्फिडेंस भी आएगा ठीक है एंड आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से अब समझ आ गया होगा मैंने अपनी तरफ से ऐसे समझाया था कि जैसे फर्स्ट टाइम ही पढ़ा रही हूँ ओके सो अगर आपको अच्छा लगा लेक्चर तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए एंड इफ एनी बडीज न्यू टू द चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेलाइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स सो स्टे टून फॉर मे नेक्स्ट वीडियो थैंक यू